गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त हो तंदुरुस्त हो मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन दोस्तों आइए बड़े प्यारे से हम लोग कर रहे हैं और वी आर थ्रू लवली फाइव चैप्टर्स पांच चैप्टर हमारे पांच सेशन हुए हमारे पांच सेशन हुए हम लोग उसमें पांच चैप्टर कर चुके हैं अब uh, आज हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर सिक्स भी हो जाएगा और चैप्टर नंबर सेवन में भी काफी कुछ हम लोग करने वाले हैं ठीक है आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे मैजिकल सेशंस बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हमको पता होना जरूरी है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है आइए चैप्टर नंबर सिक्स और थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर लव ऑल योर कमेंट्स डू कीप पुटिंग ऑल द कमेंट्स वीडियोज के ऊपर डालते रहिए लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए बस दो ही चीजें आपसे मांगी है कि जितने बच्चों तक तो पहुंचा सको पहुंचाइए और दूसरा आपके कमेंट जरूर डालते रहिए नाउ गाइज आइए हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर सिक्स पे और चैप्टर नंबर सिक्स पे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला रहता है इससे uh, पहले कि मैं क्वेश्चन में एक मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं जब हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात करते हैं ठीक है सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जब हम लोग बात करें तो ये स्टैंडर्ड बटा हुआ है यह शैंड हमको बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर को बताता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर को तीन इसमें बांटता है ठीक है टिल साइनिंग बैलेंस शीट के बाद बैलेंस शीट डेट के बाद टिल साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट तक क्या जिम्मेदारी है फिर हमको बताता है आफ्टर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट क्या जिम्मेदारी है इसमें भी टिल डेट ऑफ पब्लिशिंग और आफ्टर डेट ऑफ पब्लिशिंग दोनों में छोटा सा फर्क है बस तो आपको बात यह बात समझनी है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो है सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऑडिटर को जिम्मेदारी बताता है टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट क्या जिम्मेदारी होगी साइन करने के बाद क्या जिम्मेदारी होगी और पब्लिश करने तक क्या जिम्मेदारी होगी और पब्लिश करने के बाद क्या जिम्मेदारी होगी यह आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू पता होना चाहिए ठीक है आइए आइए अब हम लोग अब हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे सीधा बोला है कि अगर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन बोला है व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की जिम्मेदारी विद रिस्पेक्ट टू तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स यहां पर तो इन्होंने बताया ही नहीं यहां पे तो बताया ही नहीं कौन सी जिम्मेदारी साइन करने तक वाली जिम्मेदारी या साइन करने के बाद वाली जिम्मेदारी जब ऐसा होता तो हम अज्यूम कर लेते हम लोग अज्यूम कर लेते हैं हम लोग अजम्पन डालते दोस्तों हम लोग अजम्पन डाल देते टिल द दे डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट क्योंकि वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो हम अज्यूम कर लेते कि आप टिल द दे डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट मांग रहे हो ठीक है अब हम समझ जाते हैं आपके केसेस पढ़कर कि आप क्या चाहते हो अब यहां पे नीचे एक केस स्टडी फॉर्म में दिया है कि एक फूड सप्लाई करने वाली कंपनी है और ये लोग ये लोग फूड सप्लाई करते थे अपने एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ को एयरलाइन इंडस्ट्रीज को फूड सप्लाई करते बहुत एकदम सही था एक महीने का स्टॉक मेंटेन करके चलते थे अचानक अचानक कोविड आ गया अचानक कोविड आ गया तो पूरा काम धंधा ठप हो गया एयरलाइंस का धंधा ठप हो गया इनका धंधा ठप हो गया ठीक है इनका स्टॉक बेकार हो गया ऑप्सरेट हो गया पैसे मिलने का भी प्रॉब्लम हो गया लेकिन ये हुआ कब ये हुआ साल खत्म होने के बाद कोविड का इफेक्ट कोविड का इफेक्ट आया कोविड का इफेक्ट आया साल खत्म होने के बाद इफेक्ट आया तो देखो यहाँ पे गोइंग कंसर्न का भी इशू हो सकता था लेकिन उन्होंने आखिरी में एकदम क्लियरली बोला है कि इवेंट्स पे ध्यान दो आप कैसे इंश्योर करोगे कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्रॉपरली कंसिडर किए गए उसकी प्रॉपर कैसे अकाउंटिंग हुई एज ऑडिटर उसके बारे में बात करो ठीक है तो इसलिए आंसर की जो आखिरी लाइन हम पूछा क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट में इन्होंने उसको तोड़ दिया मरोड़ दिया और अब ये फेमस क्वेश्चन रहा है इसका आंसर आप क्या लिखेंगे ठीक है सबसे पहले ट्रेडिशनली आंसर बहुत बड़े इंस्टीट्यूट करता था ये आप इग्नोर कर सकते हो पहले उन्होंने बताया सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन एज पर ए एस फोर इंडिया टेन फिर उन्होंने बताया डेफिनेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर एस एफ फाइव सिक्सटी आप इसको पूरा इग्नोर कर सकते हो डंप इट कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है कोई आपको कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है कोई आपको करने की जरूरत नहीं है इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था इसलिए हम लोगों ने उसको इंक्लूड किया था उसको बिल्कुल डंप कर सकते हो यहां तक यहां से आपको फोकस करना शुरू करना है कि भाई क्या जिम्मेदारी है क्या जिम्मेदारी है आपके कोई भी कॉन्सेप्ट बुक में ये जिम्मेदारी दी होगी मैं मेरे कॉन्सेप्ट बुक में जाता हूं और ये जिम्मेदारी के बारे में आपको बताता हूं ऑडिट टाइटेनियम बुक में मैं जा रहा हूं और वहां पे 560 के ऊपर हम जाएंगे और वहां पे मैं आपको बता रहा हूं ऑर्डर की जिम्मेदारी ठीक है सिंपल सिंपल चार बातें चार बातों पे हमको बात करनी है दैट्स इट वी हैव टू टॉक अबाउट फोर थिंग्स आइए ऑर्डर की क्या जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी है क्या जिम्मेदारी है विद रिस्पेक्ट टू इवेंट्स

अब ड्यूटी है बिल्कुल सही बात है कुछ एरिया में अगर ऑलरेडी चेक कर चुके हो तो फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल डेटर में सबसे रिकवरी चेक कर चुके हो क्रिएटर में सबसे पेमेंट चेक कर चुके हो फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है दूसरा आप क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे आप सिंपल सिंपल चार ऑडिट प्रोसेस लगाते हो दो मैंने जोड़ दिया इंटरेक्शन से और दो मैंने जोड़ दिया डॉक्यूमेंट से हम जाएंगे मैनेज विल गो टू द मैनेजमेंट विल विल गो टू मैनेजमेंट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज मैनेजमेंट्स प्रोसीजर वॉट इज मैनेजमेंट्स प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाइंग एडजस्टिंग इवेंट्स मैनेजमेंट की क्या प्रोसीजर है फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स वो हम समझने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि उनके पास में उनके पास में दो टीम्स हो एक टीम इंडिपेंडेंटली सब्सिक्वेंट इवेंट्स को एनालाइज करके एडजस्टिंग इवेंट बताती है दूसरी टीम इंडिपेंडेंटली बताती है दोनों का इनपुट लेने के बाद में सी एफ ओ फाइनलाइज करता है पहले मैनेजमेंट का प्रोसीजर समझ लो मैनेजमेंट का प्रोसीजर समझने के बाद इंक्वायरी हमको भी पता है कि पास्ट में कैसे एडजस्टिंग इवेंट्स थे क्या एक्सपेक्टेड है इंडस्ट्री में क्या होता है अपनी लिस्ट लेकर जाओ और उनको पूछो ये एडजस्टिंग इवेंट्स है क्या तो पहले उनका सिस्टम पहले उनकी क्या प्रोसीजर्स होती है सब्सिक्स के लिए वो समझ लो उसके बाद में इंक्वायरी कर लो उनसे ठीक है तो इंट्रैक्शन के दो पॉइंट हो गए दो तरह के डॉक्यूमेंट्स जो मिनट्स है शेयर होल्डर के मीटिंग के मिनट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स ऑडिट कमेटी के मीटिंग के मिनट्स वो मिनट्स ऑपटेन करके रीड करो वहां से आपको सब्सिक्वेंट इवेंट की बहुत सारी जानकारी मिल सकती है वहां पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती है वहां से आपको मिल सकता है फिर उसके बाद साल खत्म होने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसको बोलते हैं सबसिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं उसमें भी अगर एक महीने दो महीने तीन महीने के बने तो उसको इंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं That is as तो क्यों सर उसके बड़े बड़े ट्रांजेक्शन देखिए क्या हुआ है वहां से आपको जानकारी मिल सकती है तो ऑडिटर के ड्यूटी में आता है ऑडिटर प्रोसेस परफॉर्म करेगा दो प्रोसियर इंटरक्शन से जोड़ दी दो प्रोसियस को मैंने डॉक्यूमेंट से जोड़ दिया याद रखने का एकदम सिंपल तरीका दोस्तों ठीक है फिर उसके बाद अगर ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स अगर हम लोगों को एडजस्टिंग इवेंट्स मिले एडजस्टिंग ऑडिटर को ऑडिट करते होगा एडजस्टिंग इवेंट्स मिले तो मैनेजमेंट को बोलेगा इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर लो और जाकर देखेगा प्रॉपर अकाउंटिंग की कि नहीं की आखिरी में आखिरी में हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए लिख के दो लेटर हेड पे लिख के दो आप लेटर हेड पे कि जितने भी इवेंट्स एंड कंडीशंस ठीक है जितने भी इवेंट्स एंड कंडीशंस थे मैनेजमेंट ने उसको प्रॉपरली एनालाइज किया उसमें से एडजस्टिंग इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया और उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया लिख के तो आपके लिटरेट में बस चार चीजों में बात खत्म हो गई आपकी जिम्मेदारी होती है ये प्रोसेस आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी एडजस्टिंग इवेंट मिले तो ट्रीटमेंट हम लोग चेक कर लेंगे और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आखिरी में ले लेंगे ये आपको समझाना है ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलने के लिए केस स्टडी है बट ये थे क्वेश्चन है बोलने के लिए केस स्टडी है बट थेरी क्वेश्चन है लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए ये सेटअप जो है ये सेटअप समझ में आना चाहिए कि यहां पे ये चीज लिखनी पड़ती है ठीक है ओके, ओके. तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था स्टडी मटेरियल ट्वेंटी थ्री के अंदर आ चुका है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए खास बन जाता है आइए अब ये बहुत ही बहुत ही टाइम पास का क्वेश्चन है चिल्लर सा क्वेश्चन है ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एस का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये इंडेस और एएस का क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता दू अपने स्टडी मटेरियल में है स्टडी मटेरियल में तो हमको इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा ठीक है विल हैव टू फोकस ऑन इट क्या लिखा आपको मैं बता दू? यहाँ पे यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा पे इन लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी ठीक है कंपनी में कंपनी में बहुत सारा नुकसान होता है बिकॉज ऑफ रेन्स बारिश की वजह से बहुत फ्लडिंग होगी बारिश की वजह से बहुत सारी फ्लडिंग होगी और फ्लडिंग की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हो गया उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया है एक करोड़ का और उन्हें अकाउंटिंग करके रखी है एक करोड़ की तो एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनको इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए एक करोड़ रुपयों का लेकिन मार्च के बाद में मार्च के बाद में अप्रैल के महीने में सर्वेयर ने बोला कि तुमको फोर्टी फाइव लैक्स ही मिलेंगे और उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया फोर्टी फाइव लैक्स और वो अमाउंट सेटल भी हो गया वो अमाउंट सेटल भी हो गया ठीक है और उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हो रहा है अब ये सिचुएशन में क्या होना चाहिए

डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्डर्स उसको एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं और जो बाकी है उसको नॉन एडजस्टिंग बोलते हैं एडजस्टिंग की अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ती है ठीक है फिर आ, फिर आप बोलेंगे कि ऑर्डर की जिम्मेदारी चार जिम्मेदारी चार जिम्मेदारियां है जो अभी हम डिस्कस करके आए ऑडिटर के ड्यूटी में आता है और आखिरी में रिटर्न के, के लिए को सपोर्ट करने के, आपके केस कि भाई, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एक करोड़ का अमाउंट था उसको कम करके पैंतालीस लाख तक लाना पड़ेगा तो अमाउंट का एडजस्टमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार का एडजस्टिंग इवेंट है केस को डिस्कस करो इट्स एडजस्टिंग इवेंट कंक्लूजन कि एडजस्टिंग इवेंट की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी अगर कर देंगे तो क्लीन रिपोर्ट नहीं करेंगे तो मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन बहुत सिंपल सी बात है बहुत सिंपल बहुत आसान है इससे सिंपल आसान शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता इट इज़ वेरी सिंपल ठीक है इट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिकली इट इज एडजस्टिंग इवेंट लेकिन आपने इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए आपने इस तरीके से आपने इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ऐसे आगे बढ़ना चाहिए मुझे ऐसा लगता है ठीक है आइए लगता नहीं करना ही चाहिए आपने ठीक है करना ही चाहिए दोस्तों नाउ ये क्वेश्चन आपके मे 19 एग्जाम में था फिर मे 22 मॉक में आया था एस ए फाइव एस ए फाइव सिक्सटी आपको लिस्ट देता है लिस्ट ऑफ आइटम्स कि अगर आप ऑडिट करने जाओ तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेकर क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेकर सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेकर क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए इसकी आपको लिस्ट बताता है स्पेसिफिक इंक्वायरी शुड बी डन उसकी लिस्ट आपको देता है अब ये लिस्ट दी हुई है समझनी पड़ेगी ठीक है, AS4, Indian, एकदम सिमिलर है। लेकिन आगे जाता है इंडियस एक कदम आगे जाता है आई एफ आर एस के ऊपर बेस्ड है इंडियस बोलता है हो सकता है कि आपको नॉन एड्जिस्टिंग इवेंट हो मतलब अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है

अब मैंने क्या किया आई डिड मैंने उसको बांट दिया ठीक है फाइव सिक्सटी डॉट आपके उस पर भी देख सकते फाइव सिक्सटी डॉट पे अगर आएंगे स्पेसिफिक इंक्वायरीज मैंने सिंपल सा उसको ग्रुपिंग कर दिए परम क्वेश्चन बैग में भी ग्रुपिंग करके दिए तीन पॉइंट एसेट से रिलेटेड है तो मैंने वहां पे ग्रुप कर दिया चार पॉइंट कैपिटल और लाइब्रेरी साइड से रिलेटेड है तो मैंने वहां पे ग्रुप कर दिया और कुछ चीजें सभी आइटम्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं तो मैंने उसको वहां ग्रुप कर दिया ऑल आइटम्स तो मैंने तीन ग्रुप बना लिए मैंने एसेट का एक ग्रुप बनाया मैंने कैपिटल और लायबिलिटी का एक ग्रुप बनाया और मैंने ऑल आइटम्स का एक ग्रुप बनाया ठीक है ऐसे मैंने तीन ग्रुप बना लिए अब चीजों को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा ऐसे ट्रिकी पॉइंट हम सिंपल पूछेंगे क्या साल खत्म होने के बाद में कोई मेजर एसेट का एक्विजिशन या सेल प्लान किया या हुआ साल खत्म होने के बाद में किसी का या एग्जीक्यूट किया, किया गया वो हम लोग अगर ऐसा है तो उसको टू अकाउंट में बताना पड़ता है इंडेस टेन के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट में उसको बताना पड़ता है तो इस चीज को लेकर हम लोग इंक्वायरी करेंगे इस चीज को लेकर हम लोग इंक्वायरी करेंगे फिर साल खत्म होने के बाद में कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया क्या क्या कोई एसेट क्या कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया क्या वेदर एनी एसेट गॉट डिस्ट्रॉयड क्या कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया या फिर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विशन में ले लिया कोई मेजर एसेट अगर ऐसा हुआ है तो उसको भी नोट्स उसको भी नोट्स स्टो अकाउंट से बताना पड़ता है वो भी हम लोग बता देंगे क्या कोई ऐसी चीज हुई है क्या विच इज अफेक्टिंग रिकवरेबिलिटी ऑफ द एसेट दिच इज अफेक्टिंग रिकवरेबिलिटी ऑफ द एसेट फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत खतरनाक गिर गई या फिर कोई प्रोडक्ट बैन हो गया कोई प्रोडक्ट बैन हो गया आ, कोई प्रोडक्ट बैन हो गया उसकी वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू की इन्वेंट्री की भी रिकवरेबिलिटी पे इम्पैक्ट है और जो प्लांट है वो प्रोडक्ट बनाने वाला था उसको भी इम्पेयर करना पड़ेगा क्या कोई ऐसी चीज हुई है क्या जो ड्रास्टिकली अफेक्ट करता है रिकवरेबिलिटी ऑफ द एसेट जैसे बैन हो जाना प्राइस बहुत गिर जाना उसकी वजह से राइट ऑफ करना पड़ता है उसकी वजह से इंपेयरमेंट करना पड़ता है ठीक है वो भी एडजस्टिंग इवेंट होता है इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टिंग इवेंट ठीक है तो बहुत सिंपल है तीन बातें एसेट से रिलेटेड है ठीक है सेल्स एक्विजन पहले खरीदा खरीदा बेचने वाला काम हुआ क्या डिस्ट्रक्शन का काम हुआ क्या रिकवरेबिलिटी फिर कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट है क्या साल भर में आपने कोई एसेट इंक्रीज आपने एसेट तो हो गया कोई आपने शेयर कैपिटल साल खत्म होने के बाद कोई बहुत बड़ा शेयर कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज हुआ है क्या शेयर कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज हुआ है क्या डिबेंचर्स का इंक्रीज डिक्रीज हुआ है क्या क्या कैपिटल के अंदर बहुत हेवी चेंजेस है साल खत्म होने के बाद कैपिटल के अंदर बहुत हेवी चेंजेस है क्या बड़े चेंजेस है क्या इंक्रीज डिक्रीज ऑफ कैपिटल इंक्रीज ऑफ डिबेंचर या फिर कैपिटल में चेंज है बिकॉज ऑफ एमेलगेमेशन मर्जर डी मर्जर ऐसा कुछ है क्या बता दो उसको भी नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ता है क्या साल खत्म होने के बाद में बोरिंग्स में कोई चेंज है क्या क्या बोरिंग्स के अंदर बोरिंग्स में कोई चेंज है गारंटीज में कोई चेंज है कैपिटल कमिटमेंट्स होते हैं उसमें कोई चेंज है बोरिंग कैपिटल कमिटमेंट्स वो बताना पड़ेगा क्या फिर कंटिजेंसी कंटिजेंसी के लिए प्रोविजन बने हुए होते हैं क्या साल खत्म होने के बाद में कंटिंजेंसीज को लेकर क्यों न्यू इन्फॉर्मेशन है क्या न्यू इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन है क्या जिससे कंटिजेंसी के अमाउंट को हम और फाइन ट्यून कर सके बेहतर बना सके ये इंक्वायरी करेंगे तो कैपिटल के लिए इंक्वायरी करेंगे

तो आपको वो भी पूछना पड़ेगा उसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा तो कैपिटल की एक बात हो गई बोरिंग और कमिटमेंट दोस्तों बहुत ज्यादा बहुत इसका, इसका परेशानी मत लीजिए फिर अगर हम लोग बात करते हैं ऑल आइटम्स क्या कोई भी क्या साल खत्म होने के बाद में बहुत बड़े अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है क्या अनयूजल एडजस्टमेंट है क्या सेल्स रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न रिटर्न है है बैड डेट्स को राइट ऑफ किया गया है आइटम्स को राइट ऑफ किया है हो सकता है वो इस ईयर के बिलोंग करते हो हो सकता है इट बिलोंग्स टू दिस ईयर एडजस्टिंग इवेंट हो सकते हैं पूछना चाहिए क्या कोई भी ऐसी चीज है कि इज चैलेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने दो महीने में बेच दिया इट इज चैलेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चैलेंज कर रहा है वो कोई भी ऐसी चीज है जिसको देखकर लगता है इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी गलत लग रही है इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी हमको बिल्कुल गलत लग रही है ठीक है तो गाइज वो भी देख लीजिए लेट्स फ्रीज गाइज तो सब्सिक्वेंट इवेंट की क्या इंक्वायरी करनी चाहिए तीन बातें एसेट्स की है चार बातें आपकी लाइब्रेरी साइड की है और दो बातों का इम्पैक्ट कहीं पर भी हो सकता है कोई भी एडजस्टमेंट से देखो कोई भी बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है वो देखिए और पॉलिसी uh, के अप्रोप्रिएटनेस को चैलेंज करने वाली कोई चीज़ के वो देखिए ठीक है ये लिस्ट बच्चों को याद रखने में मुश्किल जाती है दोस्तों तो मैंने आपको बताया याद रखने का तरीका फिर बच्चों को लिस्ट समझ में भी नहीं आती है क्यों समझ में नहीं आती क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि भाई अच्छा इन डेज में डिस्क्लोजर की भी बात की हुई है तो ये जो इंक्वायरी है इंक्वायरी के बहुत सारे पॉइंट डिस्क्लोजर रिलेटेड है और बहुत सारे पॉइंट अकाउंटिंग रिलेटेड है ठीक है आइए दोस्तों बहुत प्यारा सा ऐसे 560 है हमारे दिमाग में कितनी जिम्मेदारी है वो क्लियर है एक जिम्मेदारी तो हमने देख भी ली उसके दो क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने क्या इंक्वायरी करना वो देख लिया हम लोगों ने अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये नवंबर 18 एग्जाम में आया था नवंबर 18 एग्जाम में आया था उसके बाद में स्टडी मटेरियल 23 स्टडी मटेरियल 23 के अंदर आया मैं आपको बता दू क्या सिचुएशन है साल खत्म होता है सिचुएशन ऐसी है सिचुएशन 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 ऐसी है दोस्तों कि साल खत्म होता है ठीक है साल खत्म होने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होता है ठीक है ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद दो दिन के बाद दो दिन के बाद में गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि हम कंपनी को 5800 करोड़ का इंसेंटिव देना चाहते हैं ऑर्डर आता है कि हम कंपनी को फाइव करोड़ का फाइव करोड़ का इंसेंटिव देना चाहते हैं दो दिन के बाद उसके दो दिन के बाद कंपनी के लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करते हैं कि हम ये पांच हजार आठ सौ करोड़ का इंसेंटिव रिकॉर्ड करना चाहते हैं ठीक है? ठीके? और वो को बोलते हैं कि ऑडिट तो रिपोर्ट so के बाद ऐसा हो रहा है मैंने आपको बोला ना जिम्मेदारियां बटी हुई है टिल ऑडिट रिपोर्ट एक जिम्मेदारी है और ऑडिट रिपोर्ट के बाद एक जिम्मेदारी है जिम्मेदारियां बटी हुई है ठीक है तो आपको इस पर ध्यान देना था कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद ये चीजें हो रही है। तो उससे हिंट मिलती है। है। है है। है। अब ऐसे 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 बोलता 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 क्या बहुत सिंपल बात ऑडिट रिपोर्ट साइन कर ले। auditor के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, नहीं करना उसको कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं करना बट अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन मतलब फैक्ट फैक्ट मतलब होता है इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन फैक्ट अगर कोई फैक्ट उसको पता चलता है और ऐसा फैक्ट उसको उसको पता पता चलता है कि ये अगर उसको पहले पता होता है, तो ये अपना ओपिनियन बदल देता अगर ये उसको पहले पता होता है, तो ये अपना ओपिनियन बदल देता ठीक है इतना बड़ा फैक्ट उसको पता चला है तो इन्होंने इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये जो 5,800 करोड़ है पांच हजार आठ सौ करोड़ की जो जानकारी मिल रही है पांच हजार आठ सौ करोड़ की जो जानकारी मिल रही है जो फैक्ट मिल रहा है ठीक है जो फैक्ट है ये अगर हमको पहले पता चलता ये हमको अगर पहले पता चल जाता तो मैं तो मेरा ओपिन बदल देता भाई ये तो बहुत बड़ी बात है क्या करेंगे मैनेजमेंट के पास जाएंगे उनके कैबिन में जाएंगे देखो मेरे साथ ऐसा बोलना है उनके कैबिन में जाएंगे उनके कैबिन में जाएंगे उनसे डिस्कस करेंगे क्या ये सच बात है उनसे सारे डिटेल्स लेंगे क्या इंसेंटिव था क्या सिचुएशन थी क्या किस थी किस कियाबिन किया, तो में, में आके बैठेंगे क्या सही में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बड़ा इंपैक्ट है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज होना चाहिए पांच यार आठ सौ करी चीज है बहुत बड़ी होना चाहिए। फिर फोन लगाएंगे पूछेंगे कि क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने को तैयार हो क्या आर यू रेडी टू अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करोगे तो ऐसा रहेगा नहीं करोगे तो वैसा रहेगा यहां पे तो अमेंड करने को तैयार है तो उसी की हम लोग बात करेंगे अगर ये लोग अमेंड करने को तैयार है इफ दे आर रेडी टू अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ दे आर रेडी टू अमेंड इफ दे आर रेडी टू अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अमेंड करने के लिए लोग तैयार है ठीक है तो ऐसे केस में क्या होगा वॉट विल हैपन इन दिस केस हम मैनेजमेंट को बोलेंगे आप रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करो यू रेडी रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम क्या करेंगे वी विल ऑडिट सब्सिक्वेंट इवेंट्स वी विल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन दी वी विल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन दी सब्सिक्वेंट इवेंट जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है जो एडजस्टिंग इवेंट हुआ है उसके ऊपर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे उसको चेक करेंगे अच्छे से दूसरा वी विल एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट टिल द न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट कॉमन सेंस है ऑडिट रिपोर्ट की डेट अब नहीं बनेगी तो वो डेट तक मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट के ऑडिट प्रोसीजर को लगाना पड़ेगा पहले मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट को चेक करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट पहले मुझे वो जो एडजस्टिंग इवेंट जो एडजस्टिंग इवेंट है उसको चेक करना पड़ेगा फिर मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट की ऑडिट प्रोसेस को नए डेट तक एक्सटेंड करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद मैं ऑडिट रिपोर्ट को साइन करूंगा लेकिन ध्यान रखना पहले रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होंगे उसके बाद ही रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी जो कॉमन सेंस है पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होते हैं फिर ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज होती है ठीक है तो बहुत सिंपल है आप अमेंड करोगे तो हम भी रिवाइज देंगे ऑर्डिट रिपोर्ट लेकिन देने से पहले एडजस्टिंग इवेंट को चेक किया जाएगा सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर को एक्सटेंड किया जाएगा आपकी साइनिंग होगी उसके बाद मैं साइन मारूंगा ठीक है तो यहाँ पे केस डिस्कस करो केस डिस्कस करो और सिंपल है

मतलब इतना आपको समझ में आ गया बहुत बढ़िया ग्लिच है यहाँ पे ठीक है जो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने मिस किया हमको ऐसे ही आंसर करना लेकिन आपको बता दू ग्लिच क्या है आप अगर चाहे तो आखिरी में उसके बारे में लिख सकते हैं आप लिख देना चाहिए एक स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद में अगर हमको फैक्ट पता चला कौन सा फैक्ट ऐसा फैक्ट जो पहले से मौजूद था ऑडिट रिपोर्ट साइन करते वक्त मौजूद था फैक्ट विच वॉज देयर एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ हमको पता बाद में चला सिर्फ हमको पता बाद में चला ठीक है वो वो फैक्ट होता है लेकिन यहां पे जो हो रहा है ये एक नई चीज हो रही ऑल टुगेदर, इट इज अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर, तो टेक्निकली टेक्निकली वो फंसता नहीं है यहां पे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपना एकदम क्लियर रखा है आफ्टर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट है ना वो लगा दो खत्म करो

आपने हम 560 की जिम्मेदारियां समझ गए उसका हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं उसके दो क्वेश्चन देख चुके हैं इंक्वायरी करना क्या वो देख चुके हैं आफ्टर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट अगर होता है आफ्टर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट ठीक है सब्सिक्वेंट इवेंट में कोई पॉजिटिव इफेक्ट और निगेटिव इफेक्ट नहीं होता भाई ए एस इंडिया के कोई पॉजिटिव इफेक्ट सब्सिक्वेंट इवेंट में इफेक्ट इफेक्ट होता है इफेक्ट कैन बी फेवरेबल ऑल्सो एंड इफेक्ट कैन बी अनफेवरेबल ऑल्सो इफेक्ट फेवरेबल भी हो सकता है अनफेवरेबल भी हो सकता है कभी ऐसा नहीं कि है कि इफेक्ट सिर्फ निगेटिव होना चाहिए ठीक है ठीक है कोई भी इफेक्ट हो कोई भी इफेक्ट हो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे और रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट बनेगी ठीक है अच्छा वो डाउट पूछ लिया और भी किसी के बच्चे के मन में डाउट होगा तो ये क्लियर हो जाएगा तो गाइज वी आर फाइव के जो केसेस हमने इंपॉर्टेंट में कवर किए थे वो हमारे हो चुके हैं दैट वी आर थ्रू आई 570 के ऊपर आई 570 के ऊपर लेकिन इससे पहले कि मैं 570 सेवेंटी पर जाऊँ वापस फाइव का एक ओवरव्यू आपको देना जरूरी है 570 का एक ओवरव्यू बहुत देना जरूरी है ऐसे 570 तीन स्टेप्स की बात करता है तीन स्टेप्स की बात करता है आप किसी भी ऑडिट में जाओ तो पहले यू शुड लुक फॉर इवेंट्स एंड कंडीशन विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट आपको जाके देखना पड़ेगा इवेंट्स एंड कंडीशन विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न कोई भी ऐसी चीज हो रही है क्या जिससे आपके मन में डाउट क्रिएट हो जिससे आपके मन में जिससे आपके मन में डाउट क्रिएट हो विथ रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न पहले वो देखो जिसमें आपने बचपन से आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ऑपरेशन इंडिकेटर्स लीगल इंडिकेटर्स जो आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं पहले वो देखो अगर आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहा है अगर आपके मन अगर आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों ठीक है तो फिर आपको आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी जो मुद्दे जो भी फाइनेंशियल मुद्दे हो या ऑपरेशनल मुद्दे हो या लीगल मुद्दे हो और गोइंग कंसर्न की आपको और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी फिर आपको कंक्लूजन बनाना पड़ेगा कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले अगर कंक्लूजन की बात करें पहला कंक्लूजन आपको बनाना पड़ेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी के ऊपर लेकर मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर कि भाई कंपनी में मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है सबसे पहले ब्रॉड मतलब कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी जो बहुत बड़ी हो चुकी है जो बहुत बड़ी हो चुकी है और जो अनसर्टेनिटी ठीक है जो इतनी बड़ी हो चुकी है अनसर्टेनिटी कि ये लोगों को पता होनी चाहिए सभी जो स्टेक होल्डर है उनको पता होना चाहिए उसको बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी ये उसका बहुत ही ब्रॉड मतलब है बहुत ब्रॉड मतलब है अब इसका मैं थोड़ा ये हमेशा और ऐसे में ऐसा होता है चीजों का पहले ब्रॉड मतलब बताते हैं ताकि कोई भी चीज को इंक्लूड करने में आसानी जाए और इसका थोड़ा और स्पेसिफिक मतलब जब गोइंग कंसर्न डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स ठीक है

बेटा इसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे मतलब क्या सर जो भी जो भी तेरे प्रिंसिपल इवेंट्स जो भी तेरे प्रॉब्लम थे प्रिंसिपल इवेंट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑपरेशनल प्रॉब्लम लीगल प्रॉब्लम वो समझा फिर एक स्टेटमेंट दे कि दिस इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी ज मेंजने बता को बताना पड़ेगा लोगों को चेतावनी देनी पड़ेगी लोगों को वार्निंग देनी पड़ेगी कि मटेरियल अनसर्टनिटी छोटी मोटी बात नहीं भैया छोटा मोटा इन्वेस्टर बेचारा मर जाएंगे इसके अंदर इसलिए बता दू अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया यस तो बहुत बढ़िया अगर नहीं किया तो एडवर्स दे देंगे दे। नहीं किया तो क्वालिफाई एडवर्स दे देंगे दे। मैं इस तरीके से चीजों को बता रहा हूं ताकि आपको आगे जो केस स्टडी आए वो केस स्टडी आपको सॉल्व करने में आसानी जाए वी हैव टू मेक कंक्लूजन अबाउट द एमयू अगर एमयू है तो एडिक्वेट डिस्कलोजर होना चाहिए देर शुड भी एडिक्वेट डिस्कलोजर प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशन का मटेरियल अनसर्टेनिटी बताओ स्टेटमेंट देना पड़ेगा चेतावनी देनी पड़ेगी लोगों को फिर आपको गोइंग कंसर्न के बारे में कंक्लूजन बनाना पड़ता है गोइंग अप्रोप्रिएट है ये एक हो सकता है इसमें तो आपका अन मॉडिफाइड रिपोर्ट जाता है और अगर एमयू होगा अन मॉडिफाइड रिपोर्ट जाता है ठीक है

जो भी आपका मैटर है वो मैटर समझाना पड़ेगा और डिटेल्स के लिए नोट्स टू अकाउंट्स आप देख सकते हो मैटर आपको जो भी मैटर है जो भी प्रिंसिपल इवेंट्स यहाँ पर भी ऐसा बोलो जो भी प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशन है वो बताना पड़ेगा जो भी इशू है मुद्दा है आपको बताना पड़ेगा ये मटर अनसर्टिनिटी है अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाइए नोट्स टू अकाउंट्स में जाइए और साथ में हम लोग बोलते हैं साथ में हम लोग बोलते हैं कोई चिंता की बात नहीं है हमारा ओपिनियन हम मॉडिफाई नहीं कर रहे ओपिन देते हैं हम लोग ठीक है लेसन गाइस जनरली जनरली आपका अन रिपोर्ट जाता है प्रिंसिपल इवेंट्स ये थे मटेरियल अनसर्टेनिटी ये है और आपके नोट्स टू अकाउंट्स में आप देखिए अन ओपिनियन जाता है क्योंकि वो लोग वो लोग अगर सही करेंगे तो हम भी सही करेंगे ना हम सिर्फ एक एमयू जी से डाल देंगे ठीक है अगर फिर गोइंग देखो एडिकुएट डिस्क्लोजर है खुशी की बात है तुमने नोट्स अकाउंट से बताया मैं भी ऑडिट रिपोर्ट में बताता हूँ मुद्दा खत्म तुम नहीं बताओगे तो झगड़ा हो जाएगा क्वालिफाई एडवर्स कर डालेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कुछ कंपनियों पे ज्यादा इंपैक्ट होता है कुछ कंपनियों के ऊपर कुछ कम्पनियों, कुछ कंपनियों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होता है ज्यादा इंपैक्ट होता है गोइंग कंसर्न कुछ पे कम होता है कैसे सर अरे भाई कुछ कंपनियों में एसेट्स बहुत सारे फिक्स एसेट्स होते हैं तो इंपैक्ट ज्यादा होता है कुछ कंपनियों में सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स और और बैंक बैलेंस ही था तो कोई खास इंपैक्ट नहीं होता है इसलिए क्वालिफाई एडवर्स सिचुएशन को देख के देना पड़ता है अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रियट है तो हम लोग अगर इनअप्रोप्रियट है तो फिर ऐसे केस में हम लोग सीधा एडवर्स रिपोर्ट देते हैं भैया अनर्थ हो गए तो और अगर गोइंग कंसर्न डाउटफुल है अगर डाउटफुल है अगर डाउटफुल ना लिसन अगर डाउटफुल हो जाए ना इफ इट इज डाउटफुल अगर इफ द गोइंग इफ द गोइंग कंसर्न इज डाउटफुल ठीक है अगर गोइंग अगर आपका गोइंग कंसर्न डाउटफुल है और वो लोग अगर हेल्प नहीं कर रहे तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर हो जाता है तो आपको ये बेसिक्स पता होनी चाहिए कि पहले ई सी एस करते फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते फिर हम लोग कंक्लूजन और रिपोर्टिंग पे जाते पहले एमयू के बारे में कंक्लूजन बनाते उनको बोलते डिस्कलूजर दो दिया क्लीन रिपोर्ट देंगे साथ में एमयू डाल देंगे एमयू ठीक है और नहीं देंगे तो हम क्वालिफाई एडवर्स मार देंगे फिर गोइंग कंसर्न कंट्रीन होता है अप्रोप्रिएट है तो बहुत बढ़िया अप्रोप्रिएट है तो एडवर्स देते हैं डाउटफुल है तो डिस्क्लेमर। एक मैंने रफ ओवर भी दे दिया आपको चीजों का और एक बात मैं आपको बता दू सपोज किसी कंपनी में सपोज किसी कंपनी में एमयू है अनसर्टेनिटी है डिपेंड्स ऑन इवेंट्स अगर एमयू अंडर कंट्रोल है लेस देन 50 परसेंट चांसेस है मरने के एम यू अंडर कंट्रोल है लेस देन 50 परसेंट चांसेस है तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट रह सकता है एमयू के साथ साथ में गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट रह सकता है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ठीक है अनसर्टेनिटी का प्रोबेबिलिटी मोर देन 50 परसेंट हो गया तो गोइंग कंसर्न इज इन

अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं पहले क्वेश्चन का ये हेडिंग गलत है उसको ठीक कर दीजिए आप स्टडी मटेरियल में आया रिपोर्टिंग वेन देर इज एम एन जीसी सीज अप्रोप्रियट मटीरियल अनसर्टेनिटी भी है साथ में गोइंग इन अप्रोप्रियट भी है ठीक है लेस अंडरस्टैंड बहुत सिंपल्स है क्या हुआ है एक पावर जनरेटिंग प्लांट है एक पावर जनरेशन प्लांट एक पावर जनरेशन प्लांट है और पावर जनरेशन के लिए कोयला बहुत जरूरी है इनको कोयले के ब्लॉक्स मिले थे माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक्स में थे माइनिंग के लिए लेकिन उसके अंदर स्कैम निकला उसके अंदर स्कैम निकला तो जो उनके जो कोल ब्लॉक्स थे उसके ऊपर बैन लग गया कोल ब्लॉक्स बैन हो गया रॉ मटेरियल का सप्लाई सूख गया रॉ मटेरियल का सप्लाई बंद हो गया रॉ मटेरियल का सप्लाई बंद हो गया इसको बोलते हैं ऑपरेशनल इश्यूज बहुत बड़े ऑपरेशनल इश्यूज हैं आपके बहुत सारे लोग छोड़कर जाना शुरू हो गए ऑपरेशनल इश्यूज है अगेन दिज आर ऑपरेशनल इश्यूज़

ओके okay, शायद बीच में हल्का फुल्का लाया गया होगा कोई बात नहीं तो अब ध्यान दीजिए ऐसा रोना धोना चलता रहता है बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा रोना धोना चलता रहेगा अब उसको एनालाइज करने के बाद अब रोना धोना यहां पर भी है और रोने धोने में यह समझ में आता है हमेशा गोइंग कंसर्न में मटेरियल अनसर्टेनिटी तो होती है डिपेंड्स कहीं से कोयला मिल, तो मिल गया तो बच जाएंगे कहीं से लोग मिल गए तो बच जाएंगे तो होती होती तो होती होती यहां पर भी मटेरियल अनसर्टनिटी है तो अगर आपको कंक्लूजन बनाना रहे तो आप हमेशा बोलिए मटेरियल अनसर्टनिटी तो है मटेरियल अनसर्टनिटी तो है और उसका होना उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए

यहां पे लोग बोल रहे हैं द कंपनी हैड नो एक्शन प्लान कंपनी के पास में कोई एक्शन प्लान नहीं कैसे बचेंगे इसका कोई एक्शन प्लान नहीं ये हिंट है कि गोइंग कंसर्न इज तो एकदम सिंपल समझना अगर उन्होंने हिंट दे दिया बचना पॉसिबल नहीं है मतलब गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट ठीक है गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट अब वो बोल रहा है ये इतना गंदा काम चल रहा है

आपको बोलना है इसमें मोटा मोटी तीन चीज़ें करनी पड़ती है पहले जाकर देखो कंपनी के अंदर आर देर इवेंट्स एंड कंडीशन विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न अगर है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है हमको ठीक है कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स होंगे मिटिगेटिंग फैक्टर्स मतलब जो कंपनी को बचाते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स होंगे ठीक है वो मिटिगेटिंग मिटिगेटिंग फैक्टर्स वगैरह सबकी जानकारी लेनी पड़ेगी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी फिर हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है मटेरियल टी को लेकर कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है और गोइंग कंसर्न को लेकर कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है तो ये आप ये इंट्रोडक्शन बेसिक्स आप सब में बता दो फिर आराम से बैठ के आपको केस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि किस तरफ वो जाना चाहते हैं ठीक है थेके? वो कभी कभी हिंट देते हैं मटेरियल अनसर्टेटी का वर्ड वगैरह बहुत बार हिंट देते हैं वो लोग तो आपने जनरली आप वहां पे आप बोलो डेफिनेटली आपको फिर फोकस करना पड़ता है केस के ऊपर कि अब मैं क्या कंक्लूजन निकालू कि भाई इस केस को देखकर लग रहा है जैसे इस केस को देखकर लग रहा है जैसे मटेरियल अनसर्टेनिटी मटेरियल अनसर्टेनिटी है वो आपने कंक्लूजन निकाल दिया फिर आपको आराम से गोइंग कंसर्न का भी कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न यहां पे हाथ खड़े कर दिए गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट ठीक है यहां पे इन्होंने यहां पे यहां पे इन्होंने बोला है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसका डिस्क्लोजर चाहिए और गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है उसका लिक्विडेशन होना चाहिए ठीक है मतलब लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंटिंग होनी चाहिए उसकी तो आप आराम से बैठ के दोनों कंक्लूजन निकालिए और उसके हिसाब से क्या होना चाहिए वो देखिए केस को डिस्कस करिए केस को डिस्कस करिए क्या केस है पूरा फिर आप दही कंक्लूजन पे जाइए देन यू गो टू कंक्लूजन फिर आप कंट्यून पे जाइए इन्होंने मटेरियल अनसर्डन का कंट्रून बराबर नहीं किया मतलब क्वालिफाई एडवास देना पड़ेगा डिस्क्लोजर बराबर किया ही नहीं गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रेट है कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया एडवांस देना पड़ेगा तो फाइनल एडवांस देना पड़ेगा यहां पे कंक्लूजन यह है कि फाइनल एडवांस देना पड़ेगा बहुत सिंपल है दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं आराम से बैठ के दो चीज़ों का क्या होना चाहिए वो सोचिए और अगर उन्हें बराबर नहीं किया है तो रिपोर्टिंग में रिपोर्ट में डालना पड़ेगा क्वालिफाइडवर्स डालना पड़ेगा गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है एडवर्स का है क्या, उसके बारे में बताओ तो जहां पर भी अनसर्टेनिटी आ गई कारो टू थाउजेंड ट्वेंटी का क्लॉज नंबर नाइनटीन बता दो क्लॉज बोलता है फाइनेंशियल बातें देखकर ऑपरेशनल बातें देखकर बाकी बातें देखकर बताओ कि क्या कंपनी के ऊपर मटेरियल अनसर्टनिटी है क्या और क्या अगले एक साल में अगले एक साल के अगले एक साल की लाइब्रेटीज आराम से पे कर पाएंगे ना ऐसे कारों में रिपोर्टिंग करना पड़ता है तो यहाँ पर भी आपको पहले बेस बनाना है पहले आपको एस एफ का रेफरेंस उसके तीन स्टेप्स फिर आपको ठीक है फिर आपको डिस्कस करना है मटर अनसर्टेंटी को लेकर एडिक्वेट डिस्कलोजर है तो एडिक्वेट डिस्कलोजर देना पड़ता है मैनेजमेंट को वो बताना है गोइंग कंसर्न ठीक है आपको डिस्कस करना है फिर केस डिस्कस करना है आपको देना है अनसर्टेनिटी का प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है क्वालिफाइड एडवर्स मारो गोइंग्रोपरियट कुछ बराबर नहीं किया एडवर्स मारो ठीक है ये आपको फाइनल कंक्लूजन देना पड़ेगा और कारों में भी आपको बताना पड़ेगा तो यहाँ पे लोग क्लियरली बोल रहे हैं एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा अल्टीमेटली यू हैव टू गिव एडवर्स ओपिनियन बताना पड़ेगा कि दिया है इसलिए एडवर्स जस्टिफाइड है देखो इसके केसेस थोड़े से कंफ्यूजिंग होते ही है इंस्टीट्यूट के तरफ से इनके केसेस थोड़े कंफ्यूजिंग होती है इंस्टीट्यूट की तरफ से थोड़ी लैक ऑफ क्लैरिटी होती है उसका ज्यादा लोड मत लो आप ज्यादा आप लोड मत लीजिए ज्यादा उससे परेशान मत होइए ठीक है थीके? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना ही है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और इन्होंने गोइंग कंसर्न का अकाउंटिंग भी भी बराबर नहीं किया उसको लेकर एडवर्स एडवर्स दे लो, में दोनों आप लिख देंगे तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको एक अप्रोच बता दिया कि कैसे अप्रोच करना है कैसे अप्रोच करना है वो बता दिया और वो अप्रोच के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और ये आपको सभी केसेस सॉल्व करने में काम आएगा नाउ अब अगला बहुत जोरदार है अगला बहुत जोरदार है ठीक है नवंबर 23 मॉक में, में है, नवंबर 23 मॉक में है, नवंबर 23 मॉक के अंदर आया बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है क्या जोरदार क्वेश्चन है सुनिए एक कंपनी है जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट करती है एक कंपनी जो गारमेंट एक्सपोर्ट करती है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर वो लोग बैठे हुए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर ठीक है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर वो लोग बैठे हुए अब इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं हैपनिंग इन दिस अब इनका धीर धीरे धीरे मार्केट कम हो रहा है बांग्लादेश और बाकी जो एशियन कंट्रीज है वहां से कॉम्पिटिशन आ रही है थोड़ा मार्केट कम हो रहा है तो सेल्स कम हो रहा है रेवेन्यू कम हो रहा है ऊपर से यूएस में रिसेशन आ रहा है रिसेशन आ रहा है तो उनका और सेल्स कम हो रहा है और रेवेन्यू कम हो रहा है जैसे रेवेन्यू कम हो गया है रेवेन्यू कम हो गया है अब इनको पैसों की प्रॉब्लम आ गई ये लोन रिपे नहीं कर पा रहे ये लोन रिपे नहीं कर पा रहे ठीक है एम्प्लॉइज को पे नहीं कर पा रहे ले ऑफ शुरू हो चुके हैं ले ऑफ ए शुरू हो चुके हैं मतलब बेसिकली इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना शुरू हो गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है तो अब ऐसे केस में हमारा ऑडिटर क्या करता है

उसका ये अप्रोच सही है क्या बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया बड़ा प्यारा क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री मार्क्स से आगे बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया कि भाई क्या वो सही कर रहा है क्या इज ऑल राइट ठीक है अब आइए आपको एस एफ फाइव सेवेंटी का रेफरेंस देना है तीन स्टेप्स होते हैं वो आपको बताना है आपको बताना है कि अगर इवेंट्स एंड कंडीशंस होते हैं इवेंट्स एंड कंडीशंस होते हैं

ठीक है ओके okay. उसका प्लान एडिक्वेट है ना क्या सही में कंपनी को बचा सकता है उसकी फिजिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है प्रैक्टिकल है ना उसका प्लान वो हम जानते हैं फिर अब बोलते ठीक है, है आगे बढ़ते हैं अब तू मुझे कैश फ्लो फोरकास्ट बना के दे अगले 12 महीने का कैश फ्लो फोरकास्ट बना के दे कि तेरे पास हर महीने कितना पैसा आएगा कितना पैसा तेरे को लगेगा कैश फ्लो का फोरकास्ट बना के दे वो कैश फ्लो फोरकास्ट हम लेकर बैठते हैं उसको पढ़ने से पहले उसका डेटा कोई भी फोरकास्ट बनाना तो बेस लगता है या तो पिछले साल का बेस हो सकता है या पिछले तीन साल का एवरेज हो सकता है आपको एक बेस लगता है वो जो बेस डेटा है इट शुड बी कंप्लीट इट शुड बी एक्यूरेट इट शुड बी रेलेवेंट तो वो बेस डेटा जाकर हम चेक करते हैं कि तूने जो रिसीट पेमेंट्स का जो बेस डेटा है वो डेटा बराबर है ना और फिर अजम्पन्स लगाए जाते हैं कि रेवेन्यू क्या रेट से बढ़ेगा बढ़ेगा कम होगा खर्चे क्या रेट से बढ़ेंगे कम हो उसके अजम्पन्स लगाए जाते हैं तो वो assumptions जाके देखते हैं कि assumptions का बेसिस क्या है इज इट रियलिस्टिक रीजनेबल क्या सही में रियलिस्टिक है है क्या ठीक है? तो ये सबसे मुद्दे के मेजर तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सबसे थ्री मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये तीन मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट का असेसमेंट मैनेजमेंट का असेसमेंट मुद्दे समझ गए उसके लिए प्लान्स प्लान्स के बेस पे फोरकास्ट ये फ्लो में तीनों बातें इसके बाद में दो ये और स्पेशल होती है और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बना के दे भाई कि जितने प्लान बनाया वो एडिक्वेट है फिजेबल है और कंपनी बच जाएगी गोइंग कंसर्न भी अप्रोप्रिएट लिख कर दे एडिशनल प्रोसीजर में हमको ये करना पड़ता है ठीक है फिर आप यहां पे केस डिस्कस करोगे और आप इसको गाली मारोगे बोले ये निकम्मा नालायक आदमी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहा है ये निकम्मा नालायक आदमी प्रॉफिटेबिलिटी पे पे फोकस कर पे फोकस कर कर रहा रहा है है प्रॉफिट के फोरकास्ट उसको फोरका, उसको देखना चाहिए था कैश फ्लो फोरकास्ट उसको कैश फ्लो फोरकास्ट देखना चाहिए था ये गलती हो गई उसके हाथ से ये गलती हो गई उसके हिसाब से और कैश फ्लो फोरकास्ट में उसको ये काम करने चाहिए थे डेटा और एजम्पन के तो कंक्लूजन गलत कर रहा है बंदा पीएनएल को बाजू में रख कैश फ्लो फोरकास्ट को पकड़ उसके अंदर इनडेप जा समझ क्या खींच के मारा है खींच के मारा है प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट नहीं कैश फ्लो फोरकास्ट पे बात करनी पड़ेगी बहुत ही जोरदार बहुत जोरदार ठीक है और अगले दो साल भी नहीं अगला एक साल ही काफी होता है अगले बारह महीने का भी हमको पता चल गया ना तो सब कुछ हमको ठीक लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसी पे आपको बात करनी थी इसी पे आपको आ, बात करनी थी इसी पे आपको चीज देखनी थी जैसा मैंने बताया उस पर अगर आप लिखोगे तो आपकी पूरी चीज बन जाएगी ठीक है पूरी चीज़ बन जाएगी और उसको बहुत इनडेप्त देखना पड़ेगा कैश फ्लो फोरकास्ट ठीक है बराबर बनाए ना सही में इतने पैसे मिलेंगे ना सही में इतने पैसे मिलेंगे ना सही में इतने पैसे लगेंगे ना इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे ये सब चेक करना पड़ेगा उसको फ्लो फोरकास्ट पे फोकस करना पड़ेगा लवली क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन ठीक है आइए दोस्तों फटाफट 560 हम लोगों ने बड़ा प्यारा देख लिया 570 का बहुत प्यारी शुरुआत की एक स्टैंडर्ड अप्रोच हम लोगों ने बनाया अभी लेटेस्ट क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा था ठीक है आइए अब मटेरियल और गोइंग के बारे में बताइए। तो सीधा उन्होंने बताया कि एक चार्ट अकाउंटेंट है जो unmodified opinion, opinion unmodified रखना था, देना चाहता है अगले 12 महीने तक सर्वाइव तो करेंगे वो बोलता है गोइंग कंसन अप्रोपरियट है अगले 12 महीने तक सर्वाइव तो करेंगे और मैं उस पर अनमोडिफाइड ओपिन देना चाहता हूँ क्लीन ओपिन देना चाहता हूँ लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है बोले मटेरियल अनसर्टेनिटी है ठीक है मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले आप सोचो मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर है सामने वाले को डिस्क्लोजर के बारे में बताओ अगर वो अच्छे से डिस्क्लोजर करेगा बहुत बढ़िया बात है हम भी हमारे ऑडिट रिपोर्ट में एमयूजीसी सेक्शन डालेंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न सेक्शन डालेंगे तू भी हाईलाइट कर मैं भी हाईलाइट कर मजे की बात प्रॉब्लम खत्म लेकिन अगर तू हाईलाइट नहीं करेगा तो तू तो धोखा दे रहा है लोगों को इतनी बड़ी बात नहीं बताकर तो हम क्वालिफाई एडवर्स देते हैं अगर धोखा दे रहे तो लेकिन यहाँ पे वापस आइए यहाँ पे एकदम सिंपल है यहां बोलते ये लोग यहाँ पे क्या बोला है पहले बोला है मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में बोला हुआ है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने को तैयार है अरे वाह मटेरियल अनसर्टेनिटी है और एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने को तैयार है यह सिचुएशन है और गोइंग कंसर्न को लेकर क्या सिचुएशन है गोइंग कंसर्न भले कोई प्रॉब्लम नहीं है अनमोडिफाइड रिपोर्ट अब हमको एमयूजीसी जो पैराग्राफ है वो ड्राफ्ट करना है बहुत सिंपल बस एमयूजीसी पैराग्राफ ड्राफ्ट करना है मेरे हिसाब से तो आप वापस रेफरेंस दीजिए फाइव सेवेंटी के बारे में बोलिए तीन स्टेप्स के बारे में बोलिए एमयूजीसी के बारे में मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में आप बात करिए मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है उसका ये डिस्क्लोजर होना चाहिए अगर देंगे डिस्क्लोजर बहुत बड़ी अच्छी बात है हम भी एम डालेंगे और गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है तो उसको लेकर तो क्लीन ओपिनियन है अब एक सिंपल सा ये पैराग्राफ आता है ये पैराग्राफ में क्या बताया जाता है ये पैराग्राफ में पहले क्या मुद्दा है वो बताया जाता है यहाँ पे मुद्दा लेबर लॉस का है लेबर लॉस के बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं और उसके वजह से वजह से गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम आ सकता है आ सकता है लेकिन आज के डेट में प्रोबेबिलिटी सब ठीक है कंट्रोल में चीजें चीजें कंट्रोल में मैंने आपको बताया ना मटेरियल अनसर्टेनिटी में दो चीजें हो सकती है चीजें कंट्रोल में है चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है वो चीजें कंट्रोल में अभी चीजें कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं पहले आप मुद्दा समझाओ आप इसके अंदर क्या प्रिंसिपल प्रिंसिपल इवेंट प्रिंसिपल इवेंट और कंडीशन क्या है वो आप बता दो वॉट इज दॉट इज प्रिंसिपल वॉट इज प्रिंसिपल इवेंट एंड कंडीशन वो आप बता दो भाई पहले ठीक है फिर आप बोलो दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी है फिर आप बोलो कि नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ और वहां पर पढ़ सकते हो डिटेल्स पढ़ सकते हो नोट नंबर दे दो गिव द रेफरेंस टू नोट्स टू अकाउंट्स और फाइनली हमारा ओपिनियन जो है ओपिनियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के डेट में ओपिनियन हमारा अभी भी क्लीन ओपिनियन अनमोडिफाइड है यही आपको लिखना पड़ता है भाई कोई एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ऑटो मत फर्स्ट वी नीड टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन प्रिंसिपल कैन वी वी दैट देयर देयर नीड टू 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 लाइक ड्रॉ अटेंशन द पॉइंट दैट लेबर लॉस के प्रॉब्लम चल रहे केसेस चल रहे ठीक है और उसकी वजह से हैवी पेनाल्टी कंपनी पे आ सकती है फिर हम बताएंगे यस दिस क्रिएट्स मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर आपको डिटेल्स है तो नोट्स अकाउंट्स में ये नोट नंबर में पढ़ लो लेकिन आज के डेट में एवरीथिंग इज ऑल राइट वी आर नॉट मॉडिफाइंग अवर ओपिनियन गोइंग कंसन इज ऑल गुड ठीक है रटो नहीं भाई रटो कितना रटोगे भाई या कितना रटोगे ठीक है नाउ आइए तो और एक बात हो गई ये वाली स्टडी मटेरियल ट्वेंटी थ्री का वापस अब ये मटेरियल अनसर्टनी से इनको प्यार है अभी स्टडी मटेरियल ट्वेंटी थ्री में मटेरियल अनसर्टनटी से उनको प्यार हो गया है इनको प्यार हो गया इनको लगाव हो गया है बहुत ही प्यारो लगा हुआ है क्या बोलो इतना प्यारो लगा हुआ है इनको आइए दोस्तों तो अच्छा खासा प्यार है अच्छा खासा प्यार है अच्छा खासा लगाव है इनको ठीक है आइए नाउ यहां पे ऐसा बताए कि एक कंपनी कंटिन्यूस फाइनेंशियल लॉसेस में जा रही है फाइनेंशियल लॉसेस में जा रही है ठीक है उनके सेल्स कम होते जा रहे हैं रेवेन्यू कम होते जा रहा है और सेल्स uh, कम हो रहे हैं इनके एयरक्राफ्ट्स ब्रेकडाउन हो रहे हैं उसमें बहुत खर्चा हो रहा है दे आर गोइंग्यूस लॉसेस एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई फ्यूचर को लेकर फ्यूचर को लेकर इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स और इन्होंने नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोज भी किया है नोट्स टू अकाउंट्स में इन्होंने डिस्क्लोज भी किया प्रॉपर डिस्क्लोजर है नोट्स टू अकाउंट्स में नोट अ प्रॉपर डिस्क्लोजर एकदम प्यारा टका टक तक डिस्कलोजर भी मार दिया ठीक है डिस्क्लोजर भी कर दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्क्लोजर इन्होंने किया है आप आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्या रिपोर्टिंग करोगे आप आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्या रिपोर्टिंग करोगे देखो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला पहले आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में सोचना है मटेरियल अनसर्टेनिटी है प्रॉपर डिस्क्लोजर है हम एमयूजीसी सेक्शन डालेंगे हम एमयूजीसी सेक्शन डालेंगे और वहां पे बोलेंगे हमारा ओपिनियन अनमोडिफाइड है एमयूजीसी सेक्शन हम लोग डालेंगे एमयूजीसी सेक्शन हम लोग डालेंगे और साफ-साफ बोलेंगे कि हमारा ओपिनियन अनमॉडिफाइड है ठीक है पहले केस में तो गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ बोला नहीं है मतलब तो मैं तो उसको अप्रोप्रिएट मान के चलूंगा मैंने आपको बताया था अगर वो हाथ खड़े कर देना तो गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट मानना चाहिए यहाँ पे उन्होंने भी हाथ खड़े नहीं किए बस प्रॉब्लम्स आए थोड़े हो सकता है हजारों करोड़ के उनके पास में इन्वेस्टमेंट्स हो हो सकता है होल्डिंग कंपनी का सपोर्ट हो तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है तो बेसिकली एमयू जी सी पैराग्राफ बनाना पड़ेगा उसके बारे में क्वेश्चन है पूरा नीचे के इस्ट में भी यही बोला हुआ है गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट और मटेरियल अनसर्टेनिटीज देर देयर अगर है तो हम देखते हैं उन्होंने डिस्क्लोजर बराबर डाला है क्या इन्होंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरी कहानी बोली है। दोनों क्वेश्चन में यही बोला हुआ है सो लेट्स फ्रीज गाइस बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वही अपनी कहानी शुरू करो और उसके बाद में आप मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में बोलना शुरू करो कि भाई अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तो प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशन बताने पड़ते हैं चेतावनी देनी पड़ती है कि एम यू है एसेट्स में नॉट बी रियलाइज इन नोट प्रॉपर एट इन प्रॉपर कोर्स ऑफ टाइम लाइबीज में नॉट बी पेड ऑफ ठीक है यह डिस्क्लोजर देना पड़ता है लेट्स फ्रीज गाइस आप ऐसे फाइव सेवेंटी का रेफरेंस दोगे तीन चीज़ों को आप बताओगे फिर आप बात करोगे मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है अगर होती है तो नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोजर लगता है प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशन किसकी वजह से प्रॉब्लम है फिर लोगों को बताना पड़ता है इट इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी उनको चेतावनी देनी पड़ती है एसेट्स में नॉट बी रियलाइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लाइब्रेटी में नॉट बी पेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो ब्लू में है वो आपकी समरी है जो ब्लू के अंदर दिया हुआ है वो आपकी समरी है ठीक है अगर वो एडिक्वेट डिस्कस दोगे तो हम अन हम लोग एम यू जी सी सेक्शन डालेंगे अन रिपोर्ट दोगे ये आपने बेसिक थियोरी डिस्कस की फिर आप केस डिस्कस करेंगे और आप इसमें बताएंगे कि एम यू जी सी पैराग्राफ डालना पड़ेगा सिंपल एम यू जी सी पैराग्राफ डालना पड़ेगा वहाँ पे प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशन आपको समझानी पड़ेगी एम यू है मैटर समझाना पड़ेगा एम यू समझाना पड़ेगा डाउट और गोइंग कंसर्न है ओपिन अन मॉडिफाइड रहेगा तो ध्यान रखना जब वो रोने लगे पॉसिबल नहीं है कुछ तो ऐसा हिंड दे तो गोइंग कंसर्न इज इन अप्रोप्रिएट जब तक पूरा नहीं रोए जब तक हाथ खड़े ना करे गोइंग कंसर्न अप्रोप्रियट ऐसा मानकर चल सकते हो और अजम्शन लिख भी सकते हैं मैंने बोला था कि थोड़ा सा चैलेंज है लेकिन आप अगर मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उसको आप शांति से बैठ के समझोगे और उसको आप रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी बन जाएगी ध्यान देंगे वापस वही है वापस वही है यहां पे अर्थक्वेक आ गया है उसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी हो गई है और इन्होंने नालायकों ने डिस्क्लोज नहीं किया व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन विल यू गिव यहां पे सिर्फ सिचुएशन ही हो गई है पिछले और इसको मैं कंपेयर करूं एक ही चीज हो गई है उन्होंने डिस्कलोजर नहीं डाला अगर नोट्स तो अकाउंट्स में डिस्कलोजर नहीं डाला तो आप लोगों के साथ में धोखा कर दो अगर आप नोट्स तो अकाउंट्स में डिस्कलोजर नहीं डालोगे तो आप लोगों के साथ में धोखा कर रहे हो और अगर लोगों के साथ में धोखा कर रहे हो तो हम एडवर्स ओपिनियन देंगे देखो क्वालिफाई भी हो सकता था और एडवर्स भी हो सकता था ये लोग एडवर्स लेकर चले तो आप भी जब भी आपको ऐसा मौका मिले क्वालिफाई करना कि एडवर्स करना आप एडवर्स लेकर चलो तो वापस 570 सेवेंटी बताओ तीन स्टेप्स बताओ गोइंग का मटेरियल अनसर्टिनिटी है तो डिस्क्लोज देना पड़ता है बताओ नहीं देंगे तो हम लोग क्वालिफाई एडवर्स कर सकते हो बताओ केस को डिस्कस करो कि भाई हमको एडवर्स देना पड़ेगा और एडवर्स को आप लिखो अब यहां पर एज पर एज पर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन इन ओपिनियन फाइनेंशियल बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स बिकॉज ऑफ ऑफ सिग्निफिकेंस द मैटर्स आर डिस्कस्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन ऐसी बनाते ना ओपिनियन ओपिनियन में हम रेफरेंस देते हैं बेसिस का एज पर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अवेलेबल एंड बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स जो एक है आपके बेस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में ट फाइनेंशियल सेटमेंट डजन यू ट्रू एंड फेयर यू विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द इयर हंड्रेड सो आप बता दो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे बेस ऑफ एडवाइस में बताओ कि मटेरियल अनसर्टिनिटी है मटेरियल अनसर्टनिटी है गोइंग कंसर्ट डिपेंड ऑन है वेरी बिग थिंग और उसका लेकर कोई डिस्कलोजर एडिक्एट डिस्कलोजर नहीं नोट्स टू अकाउंट में कोई एडिकुएट डिस्कलोजर नहीं है नोट अकाउंट्स में ठीक है पीपल आर की पीपल आर केप्ट अंडर द डार्क दे आर नॉट गोइंग उनको ट्रुथ नहीं बताया उनको ट्रुथ नहीं बताया उनको सच्चाई नहीं बताई इसीलिए ठीक है ये सिचुएशन है दैट इज द रीजन फॉर एडवर्स इसीलिए एडवर्स दिया जा रहा है तो बहुत प्यारा सा है दोस्तों बहुत सिंपल सा है बहुत प्यारा सा है मैंने आपको बोला पहले एमयू के बारे में सोचना है फिर गोइंग कंसर्न के बारे में सोचना है और अभी न्यू कोर्स के केसेस में तो एमयू छाया हुआ है बहुत ओल्ड कोर्स के केसेस में गोइंग छाया हुआ रहता था गोइंग कंसर्न ही गोइंग कंसर्न चलता था गोइंग कंसर्न ही गोइंग कंसर्न चलता था अभी यहां पे लोग एमयू एमयू कर रहे हैं ठीक है एमयू एमयू कर रहे हैं और एमयू एमयू चला रहे हैं दोस्तों सो आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी है इसको लेकर ठीक है ले गाइस आगे बढ़ते हैं मे ट्वेंटी टू मॉक मे ट्वेंटी थ्री आर टीपी एजिंग शेड्यूल दे दिया है आपको पता है कि शेड्यूल थ्री के हिसाब से शेड्यूल थ्री के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट्स में शेड्यूल थ्री के हिसाब से शेड्यूल थ्री के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट्स में अकाउंट्स पेबल का शेड्यूल देना पड़ता है अकाउंट्स पेबल का शेड्यूल देना पड़ता है अकाउंट्स पेबल की एजिंग देनी पड़ती है कितना पैसा पेबल है एक साल के अंदर कितना पैसा पेबल है एक साल से दो साल के अंदर कितना पैसा पेबल है दो साल से तीन साल के अंदर मोर देन थ्री ऐसा देना पड़ता है इसमें दिख रहा है पेंडिंग पैसा एक साल के अंदर दो, दो करोड़ चार करोड़ तीन करोड़ एक करोड़ दस करोड़ लंबा आउटस्टैंडिंग है ये निगेटिव फाइनेंशियल इंडिकेटर है बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग अमाउंट चल रहा है बाप रे नहीं, लेकिन इतना टेबल दिया है इतना खींच के नहीं मारा पिओ ने बाद में दिए फिर बाद में वो बोल रहे हैं कि ट्रेड पेबल को टाइम पे पे नहीं कर पा रहे रेशियोज बहुत खराब हो चुके हैं सिचुएशन बहुत खराब है ठीक है और नोट्स टू तो अकाउंट्स में नो अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग अबाउ इन नोट नोट्स टू तो अकाउंट तो में सब शांत बैठे हुए हैं नोट्स तो अकाउंट्स में कुछ भी नहीं कर रहे ठीक है फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो डील विद अबाउ तो बेसिकली मटेरियल अनसर्टेनिटी है बेसिकली मटेरियल अनसर्टेनिटी है और नोट्सो अकाउंट्स में कुछ कर नहीं रहे हो वही केस रिपीट हो रहा है अभी जो ऊपर केस था जो ऊपर केस था वही केस रिपीट हो रहा है बस उसको प्रेजेंट और दिखाने का तरीका एकदम बदल दिया तो वापस एस एफ फाइव सेवेंटी उनके तीन स्टेप्स एमयू के बारे में बात करो कि डिस्क्लोजर देना पड़ता है नहीं दोगे तो क्वालिफाइड एडवाइस देना पड़ेगा केस डिस्कस करो और बोल डालो कि ये लोग एमयू के बारे में डिस्क्लोजर नहीं दे रहे जो बहुत ही गलत कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं एम का दीवाना एमयू का दीवाना है न्यू कोर्स मटेरियल अनसर्टेनिटी का दीवाना है एम यू एम यू बहुत चाहिए क्वालिफाई एडवर्स मारो लंबा चौड़ा केस बनाया लेकिन दम नहीं था लंबा चौड़ा केस बनाया लेकिन दम नहीं था मटेरियल अनसर्टेनिटी तो बहुत ही प्यारे बहुत ही प्यारे बहुत ही लवली केसेस हम लोगों ने कवर किए और भाई आवाज़ क्लियर आ रहा है कि मुझे एक बार बता दो मुझे रिक्वेस्ट है कि भाई आप आवाज़ बढ़ा दीजिए इंक्रीज़ द वॉल्यूम अभी आवाज़ बराबर है कि और बढ़ाने की ज़रूरत है मुझे एक बार बताओ प्रदीप दिव्या ठीक है ओके नाउ लेट्स सी 580 की बातें हम लोग देखते हैं 580 580 गाइस 560 हम लोगों ने खत्म किया 560 हम लोगों ने खत्म किया 570 हम लोगों ने खत्म किया 580 खत्म करेंगे फिर अगले चैप्टर पे जाएंगे 700 खत्म करेंगे Não. OK. A voz इतना ही क्या है कि आवाज मैं बढ़ा सकता हूं लेकिन आवाज अगर बढ़ा दूंगा तो शायद क्वालिटी ऑफ वॉइस में इम्पैक्ट आ जाएगा तो अभी तो जितना आवाज है उतना ही आवाज लेकर हम लोग चल रहे हैं आप देखिए अगर आप हेडफोन यूज कर सके तो इट विल बी रियली गुड बयान देखिए फाइव एटी की अगर हम लोग बात करते हैं इफ यू टॉक अबाउट फाइव एटी तो एक तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये तो बरसों बरसों पुराना क्वेश्चन है पहला बरसों पुराना क्वेश्चन है ऑडिटर ऑडिट उर्ट करने जाता है और ऑडर ऑडिट करने जाता ऑडिटर ऑडिट उर्ट करने जाता है स्टॉक का स्टॉक का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड नहीं करता है कोई स्टॉक को देखता नहीं है उसका वैल्यूएशन चेक ना स्टॉक का एग्जिस्टेंस चेक करता है ना कंप्लीटनेस चेक करता है ना वैल्यूएशन चेक करता है बस मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेता है कि स्टॉक एग्जिस्ट करता है स्टॉक कंप्लीट है स्टॉक का वैल्यूएशन एकदम बराबर है कोई चिंता की बात नहीं है स्टॉक के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है फिर आगे मशीन्स मशीन्स का एग्जिस्टेंस चेक नहीं करता उसकी कंडीशन चेक नहीं करता कुछ भी चेक नहीं करता वहां पर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेता है वहां पर भी वहां पर भी वहां पर भी वहां पर भी रिटर्न रिप्रेजेंट वहां पर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ठीक है वहां पर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेता है नाउ अब यह चलेगा क्या तो सी बात है बिल्कुल नहीं चलेगा आपको 580 का रेफरेंस देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा पहला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट कैन नॉट कैनॉट कैन नॉट रिड्यूस एनी ऑडिट प्रोसीजर और एनी ऑडिट एविडेंस वो सब्सिट्यूट नहीं कर सकता रिड्यूस नहीं कर सकता किसी भी ऑडिट प्रोसीजर को किसी भी ऑडिट एविडेंस को इट इज टेकन एट द लास्ट सब कुछ परफॉर्म करने के बाद उसको आखिरी में लेते हैं इट इज नॉट अ प्राइमरी एविडेंस इट इज ऑलवेज अ सपोर्टिंग एविडेंस इसका मतलब कोई एविडेंस ऑलरेडी हमारे पास है और हमको और अश्योरेंस चाहिए तो ये एज अ सपोर्टिंग एविडेंस आता है ये एज अ सपोर्टिंग एविडेंस आता है ठीक है तो आप पहले बताएंगे कि प्लीज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मिसयूज मत करिए आप पहले बताएंगे प्लीज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का किसी भी तरीके से मिसयूज मत करिए प्लीज डोंट मिसयूज इट ठीक है आप उसको मिसयूज मत करिए और जहां पे सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है हमारे पास रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता रिटर्न रिप्रेजेंट उसको प्लीज रिटर्न रिप्रेजेंट का मिसयूज मत करिए जहां पे सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ही नहीं हमारे पास रिटर्न रिप्रेजेशन वो कमी को खामी को खत्म भी नहीं कर सकता दोनों बात को समझ लीजिए प्लीज उसका मिस भी मत करिए और दूसरा ठीक है वो सबूत की कमी को कम खत्म नहीं कर सकता और यहाँ पे बहुत जरूरी था कि फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म करना तीन मुद्दों पे ध्यान दिया रिटर्न रिपिन का मिसयूज मत करिए बिल्कुल भी ठीक है नो सफिशंट अप्रोप्रेट ऑडिट एविडेंस की सिचुएशन को वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता उसको रिजोल्व नहीं कर सकता इतनी ताकत नहीं है उसके अंदर ठीक है पहले इसमें बोला है कि प्लीज उसको मिसयूज मत करिए सब्सिट्यूट नहीं कर सकता वो दूसरा वो रिजोल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम को फिजिकल वेरिफिकेशन तो करना ही था केस को डिस्कस करिए और बोलिए ऑडिटर ने जो किया बिल्कुल गलत किया ऑडिटर ने जो किया ऑडिटर ने जो किया बिल्कुल गलत किया ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है बहुत ही पुश्तेनी क्वेश्चन है अब अब यहां पे ये स्टडी मटेरियल 23 में आया है स्टडी मटेरियल 23 में आया फिर मे 19 आरटीपी मे 21 मॉक में आया है ठीक है तो बहुत ही क्वेश्चन एकदम लहर फैला रहा, रहा है भाई क्वेश्चन uh, एकदम लहर फैला रहा है लहराता हुआ क्वेश्चन है अब इसके अंदर पहले इतना टर्न ओवर है इतना प्रॉफिट है पहले मैनेजमेंट बोलता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिटर्न नहीं होना चाहिए वर्बल भी चलेगा और हम ऑलरेडी इसको दे चुके हैं जब ऑडिट हो रहा था तब हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें ओरली बोल चुके हैं ठीक है ऑर्टर ने बोला रिटर्न है रिटर्न तो आपको देना पड़ेगा तो रिटर्न रिपेन्न पे बहस चल रही है और ने बोल दिया कि रिटर्न तो आपको देना पड़ेगा लेकिन आखिरी में मुद्दा पहले केस कुछ और ही बना रहे कंपनी के टर्न और प्रॉफिट दे रहे है, जिसका कोई मतलब नहीं है फिर मैनेजमेंट से बोला चाली हो रही है कि तुमको रिटर्न में देना पड़ेगा ठीक है रिटर्न रिपेन आपको देना पड़ेगा इट लेकिन आखिरी में बोल रहे कि का डेट क्या होना चाहिए और उसमें कितना पीरियड कवर होना चाहिए डेट क्या होना चाहिए और कितना पीरियड कवर होना चाहिए ये दो मुद्दों पे आके बात अटकी हुई है तो ये उसके ऊपर ही बात करनी है उसका डेट क्या होना चाहिए और पीरियड क्या होना चाहिए तो बहुत सिंपल है आप उसको बताएंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज ऑडिट एविडेंस एंड ऑल द एविडेंसेस शुड बी टेकन बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के पहले लेना पड़ेगा इट इज सपोर्टिंग एविडेंस हमेशा सपोर्टिंग एविडेंस है उसको पहले लेना पड़ेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी टेकन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी टेकन ठीक है बिफोर रिटर्न रिप्रेन शुड बी टेकन बिफोर डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट के पहले आपको लेना पड़ेगा ठीक है पहली बात फिर तो पहले लेना पड़ेगा यह बात क्लियर है दूसरी बात उसी में इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट जितने नजदीक हो सके उतना नजदीक होना चाहिए डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट के अगर डेट ऑफ साइनिंग पंद्रह तारीख है सपोज फिफ्टीन ऑफ जुलाई है तो दस जुलाई के आसपास आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो क्यों ऐसा वी वॉन्ट लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हमको और दूसरा जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा सब्सिक्वेंट इवेंट्स का कवरेज सबसिक्वेंट इवेंट्स का कवरेज उतना ज्यादा होगा आपके लेटर में तो इट शुड बी बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज क्लोज एज पॉसिबल कभी कभी अपडेशन होते हैं सर ये अपडेशन क्या है अपडेशन क्या होते हैं कभी कभी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन साल भर अलग अलग मुद्दों पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते रहते हैं और सिचुएशन चेंज हो जाती है फिगर्स चेंज हो जाते हैं तो अपडेटेड रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेते रहते हैं अपडेटेड रिटन रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेते रहते हैं तो बोले लो ना लेकिन वो भी ध्यान रखो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के पहले लो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के पहले ले अपने इसको लेना चाहिए और जितना नजदीक हो सके या फिर as सिचुएशन डिमांड उतना नजदीक रहना चाहिए तो बोले ठीक है बोले डन ठीक है कितने साल का रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे अगर हम दो साल पे ओपिनियन देंगे तो दो साल का डब्ल्यू आर लेंगे सात सौ दस में डिस्कस होता है सात सौ दस में डिस्कस होता है कि कभी कभी हम लोग मल्टीपल पे ओपिनियन देते हैं जैसे प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस में करंट ईयर प्रोस्पेक्टस में करंट ईयर प्लस पास फाइव ईयर्स के ऊपर हम लोग ओपिनियन देते हैं ठीक है तो हमको उतने साल का डब्ल्यू आर लेना पड़ेगा दो साल पे देंगे तो दो साल का तीन साल पे दोगे तो तीन साल का एक साल पे दोगे तो एक साल का तो आपको बताना है जितने साल को हम रेफर करेंगे इंट्रो और ओपिनियन पे जितने साल पे हम ओपिनियन देंगे जितने साल पे हम लोग ओपिनियन देंगे ना दोस्तों जितने सालों पे आप ओपिनियन दोगे जितने सालों पे आप ओपिनियन दोगे उतने सालों पे हम लोगों को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा ठीक है अब इसमें छोटी छोटी बातें आप क्लैरिफाई कर देना ऐसा हो सकता है कि पिछले साल हमने ओपिनियन दिया था लास्ट ईयर पे तब डब्ल्यू लिया था इस साल इस साल हम लोग वापस ठीक है इस साल हम लोग वापस इस साल हम लोग वापस ठीक है अगेन हम लोग पिछले साल पे ओपिनियन दे रहे ऐसा होता है पिछले साल भी हमने पिछले साल पे ओपन दिया था इस साल करंट ईयर के साथ साथ पिछले साल पे ओपन दिया तो क्या वापस डब्ल्यू आर लेंगे यस जितने बार ओपिनियन देते उतने बार डब्ल्यू आर लेंगे पिछले साल का एज ऑन लास्ट डेट था इस साल का एज ऑन करंट डेट चाहिए हमको उसमें और एक बार बताओगे मैनेजमेंट बदल गया पिछले साल सीईओ सीएफओ अलग था पिछले साल सीईओ सीएफओ अलग था वो हमारा एडिक नहीं है तुम जाओ प्रेजेंट मैनेजमेंट को जाना पड़ेगा पूरी सिचुएशन को समझना पड़ेगा सब कुछ समझ के तुम मुझे साइन करके दो मुझे फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो आप पहले डेट से रिलेटेड बातें कर दोगे फिर पीरियड से रिलेटेड बातें कर दोगे ठीक है यही क्वेश्चन में पूछा था यही क्वेश्चन पूछा था और इसी के ऊपर बेस्ड है अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का मटीरियल स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ऐसा बोला है कि ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही है इकतीस जुलाई को ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही है ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट आपकी ऑडिट रिपोर्ट आपकी साइन हो रही है इकतीस जुलाई को और आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया है पंद्रह अप्रैल को ऐसा हाईलाइट नहीं किया उन्होंने उन्होंने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेंट लिखकर दे दिया एक रिटर्न रिप्रेजेंटेंट लिखकर दे दिया ठीक है और आपको बोला कि आप पॉइंट आउट करो क्या प्रॉब्लम है पॉइंट आउट द एनोमली अनयूजल चीज क्या है वो आइडेंटिफाई करो और इतना लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने लिखकर दे दिया अगर कोई बच्चे का डेट पे ध्यान नहीं गया तो फंस गया वो अगर किसी बच्चे का डेट पे ध्यान नहीं गया तो फंस गया वो नीचे इतनी सारी बेकार की बगर काम की चीजें दी हुई है इतनी सारी बेकार चीजें कोई मतलब ही नहीं नीचे जो दिया हुआ है ठीक है इंस्टीट्यूट ने कोई हिंट नहीं दी उन्होंने से बोला कि ये लेटर है बताओ इसमें अनयूजल क्या है गैप ऑफ साढ़े तीन महीना यही इसमें अन्यूजल है आपको ऐसे का रेफरेंस देना था आपको डेट के बारे में सभी बातें बोलनी थी ये साढ़े तीन महीने का गैप बहुत ज्यादा हो गया दिस इज नॉट एस पर लेटेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स कवर नहीं हुए इसमें सारे सब्सिक्वेंट ठीक है इसमें सारे सारे इसमें सारे इसमें सब्सिक्वेंट इवेंट कवर नहीं होते तो पूरा का पूरा क्वेश्चन फेक था एक प्रकार से फेक क्वेश्चन था ये कॉन्सेप्ट बताया केस और कंक्लूजन इट शुड बी एज नियर पॉसिबल फिफ्टींथ अप्रैल बहुत दूर हो गया एज नियर पॉसिबल इतना बताता अच्छा गेम खेला लेकिन गेम बहुत जोरदार खेला गेम गेम बहुत जोरदार खेला बहुत जबरदस्त गेम खेला गेम बड़ा प्यारा था गेम था गेम लेकिन गेम बड़ा प्यारा था आइए दोस्तों फाइव हमारा खत्म हो गया फाइव हमारा खत्म हो गया दोस्तों सो वी आर थ्रू विथ वन मोर चैप्टर और एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया इलेक्शन की डेट्स वेट्स क्या कोई फर्क नहीं पड़ता जितना टाइम है उसमें पढ़ो ठीक है तो बिंदास पढ़ते रहो बिंदास पढ़ते रहो दैट इज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अपना मन लगाओ पढ़ाई के अंदर सी ए फाइनल तो ओशन है जितना आप बेहतर पढ़ते रहेंगे उतना अच्छा जितना आप पढ़ते रहेंगे उतना अच्छा अपनी धार को और अच्छा बनाओ क्योंकि जो मुझे समझ में आता है कि इंस्टीट्यूट अच्छे क्वेश्चंस बना रहा है और क्या बेचारे इलेक्शन कमिश्नर साहब की बैंड बजाते जा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब की बैंड बात आ रहे ठीक है ओके नाउ okay. आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं सात सौ एक सेकेंड दीजिए मुझे हमारी वन सेकेंड फ्रेंड्स एक मिनट Oh guys, let's see. अब सात 700 अभी जो पहला क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है ये ऐसे तो 705 का क्वेश्चन है 705 का क्वेश्चन है लेकिन अलोकेशन उसका यहां पे आ गया कोई बात नहीं ठीक है क्या सिचुएशन मैं आपको बता दूं सिचुएशन ऐसी है कि एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल मतलब ओके वन सेकेंड गाइस यहां पे सिचुएशन ऐसी है ऐसे 700 का का क्वेश्चन है इसमें सिचुएशन ऐसी है कि हाँ ये मैंने बोला कि ये क्वेश्चन ऐसे 705 का है गलती से 700 में आ गया है ठीक है लेकिन हमको उससे फर्क नहीं पड़ता हमको तो क्वेश्चंस देखने ही देखने है. तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि एक ऑडिटर को अपॉइंट किया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है अब अप्रैल में बंदे को अपॉइंट किया आपने तो वो मार्च की चीजें कैसे चेक करेगा मतलब मार्च का मार्च का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक हो हो गया आपके एसेट्स गए और ये सब चीजें उसको चेक करने का मौका नहीं मिल रहा है तो सबूत की कमी जनरेट हो रही है सिचुएशन की वजह से सबूत की कमी सबूत की कमी जनरेट हो रही है सबूत की कमी हो रही है फिर और एक प्रॉब्लम है इन्होंने नवंबर में एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया अकाउंट रिसेबल्स को मैनेज करने के लिए उसके अकाउंट रिसेबल को मैनेज करने के लिए उसकी अकाउंटिंग के, के लिए लेकिन वो सॉफ्टवेयर में इतने एरर्स हो गए इतने प्रॉब्लम्स हो गए मार्च तक ठीक है इतने प्रॉब्लम्स हो गए इतने एरर्स हो गए मार्च तक उसको रिजोल्व नहीं कर पाए वो ऑडिटर बोलता है यार अब मेरा पेशेंस खत्म हो गया मेरे को तो रिपोर्ट देके आगे बढ़ना है तो लेट अपॉइंटमेंट लेट अपॉइंटमेंट लेट अपॉइंटमेंट की वजह से भी लेट अपॉइंटमेंट के वजह से भी सबूत की कमी है और ये जो सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत है कोई ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा तो बेसिकली सबूत की कमी है दो रीजन है सबूत की कमी के और बाद में वो लो लोग खुद बोल रहे हैं इसका इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव है अगर सबूत की कमी का इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव है ठीक है तो हमको डिस्क्लेमर देना पड़ता है वी हैव टू गिव डिस्क्लेमर तो यहां पे हमको उन्होंने ओपिनियन पैराग्राफ ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ ये दो पैराग्राफ ड्राफ्ट करने के लिए बोला है। कि आप ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ आप ड्राफ्ट कर दो तो आइए डिस्क्लेमर में आप क्या लिखोगे सबसे पहले पहली लाइन आप आपको पता होगा ओपिनियन के दो पार्ट होते पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो इंट्रोडक्शन देते हो और उसके बाद में आप फाइनली ओपिनियन देते हो तो पहले पार्ट में हम जनरल लिखते हैं वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्वयं सो कंपनी स्वयं सो ईयर ये चीज उसमें कवर्ड है ठीक है ऐसा आप लेकिन यहां पे आप डिस्क्लेमर में पहली लाइन बदलती है वी वेर एंगेज टू परफॉर्म ऑडिट आप ये मत बोलना वी डिड ऑडिट वी वेर एंगेज टू परफॉर्म ऑडिट ऑफ स्वयं सो कंपनी स्वयं सो फाइनेंशियल ईयर उसमें बैलेंस शीट है पी एन एल है स्वयं सो ईयर का स्वयं सो टाइम का नोट्स टू अकाउंट्स है तो यहां पे पहले लाइन का आपको ख्याल रखना है दोस्तों और ये तो जब ऐसे डिस्कस होता है जब भी बताया था, पहले लाइन का ध्यान रखना है फिर आपको बताना है बिकॉज ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर जो नीचे बेस ऑफ डिस्क्लेमर में दिया है वी आर नॉट एबल टू ऑपटेन सफिशियंट अप्रोप ऑडिट एविडेंस हम एविडेंस को इकट्ठा नहीं कर पाए

फिर आपको ओपिनियन देने के बाद डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में जाना है फिर आपको रीजन समझाना है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आपको रीजन समझाना पड़ता है कि भाई साल खत्म हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च को लेकिन अपॉइंटमेंट हुआ अप्रैल में उसकी वजह से इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड नहीं कर पाया कैश का वेरिफिकेशन अटेंड नहीं कर पाया फिक्सर का फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड नहीं कर पाया उसको जाकर देख नहीं पाए थर्टी मार्च को क्या सिचुएशन है वहाँ पे सबूत की कमी है उसके वजह से, से वी आर नॉट गेटिंग नॉ गंग एविडेंस फिर आपको बताना है अकाउंट डिसेबल के सॉफ्टवेयर में मैल है और समझ भी नहीं आ रहा क्या सही है क्या, क्या गलत डिफिशंसी है इसलिए वी डोंट नो ठीक है क्या सही है क्या गलत है वहाँ पे भी सबूत की कमी है ठीक है फिर आपको बताना है कि इसके समझ भी नहीं आ रहा क्या क्या सही है क्या गलत है एडजस्टमेंट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए तो आपको बताना है बेस फॉर डिस्क्लेमर तो आपको डिस्क्लेमर ड्राफ्ट करना है और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ड्राफ्ट करना है फिर आपको बता दूँ रटने की जरूरत नहीं है नो नीड टू रट टू आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है चीज़ों को अब आइए दोस्तों ना नेक्स्ट इज अब आपका नेक्स्ट है ऑडिटर अब आपका नेक्स्ट है दोस्तों ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा बहुत ही प्यारा सा बहुत ही प्यारा सा बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है क्या है ये प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन आइए यहाँ पे ऐसा बोला है कि ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी के और उन्होंने अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये कम्युनिकेट किया है इन देर ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने अफर्म किया अफर्म करना मतलब बताना लिखना अफर्म किया है कि हमने ऑडिट के दौरान कम्युनिकेशन किया है सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स का हमने कम्युनिकेशन किया है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का आ, ये ब... ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी का और ऑडिट रिपोर्ट में वो लोग बोल रहे हैं कि हमने कम्युनिकेशन किया है सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग का और सिग्निफिकेंट ऑडिट डेफिशिएंसी का ठीक है ये जो कम्युनिकेशन वाली बातें है ये कम्युनिकेशन वाली बातें कौन से सेक्शन में कौन से सेक्शन में लिखनी पड़ती है ठीक है कहा लिखनी पड़ती है उसके बारे में बताओ और उसके थोड़े डिटेल आप बताओ उसका इंपॉर्टेंस आप बताओ ठीक है इंटरेस्टिंग है तो यहां पे आप क्लिक आपको क्लिक होना चाहिए आपको क्लिक होना चाहिए कि ऐसे 700 है आ 700 के सारे एलिमेंट्स 700 के सारे एलिमेंट्स ठीक है 700 के सारे आ, आप 700 का रेफरेंस दोगे एलिमेंट्स के बारे में सोचोगे तो एक एलिमेंट आता है आपका एक एलिमेंट आता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट आता है और ये जो ऑडिटर और ये जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एलिमेंट आता है ना दोस्तों ठीक है तो ये ऑडिटर ये जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाता है ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है उससे रिलेटेड बातें बताते ऑडिट कैसे किया स्कोप क्या-क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की उसके बारे में बताते और तीसरा कम्युनिकेशन के बारे में बताते तो आपको बताना था कि ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी जो सेक्शन है वहां पर कम्युनिकेशन के बारे में लिखा जाता है और वहां पे कम्युनिकेशन के बारे में तीन बातें लिखी जाती है किया ठीक है कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन ठीक है तो बहुत ही फेमस आजकल गाड़ी चल रही है तो किया पॉइंट्स आपको कम्युनिकेशन में पॉइंट्स बताने पड़ते हैं ठीक है के स्टैंड फॉर की ऑरिट मैटर आपको लिखना पड़ता है मानी महोदय आपको लिखना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट प्रोसेस के दौरान जो मैटर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस थे जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी मैटर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस की ऑडिट मैटर इसके बारे में टाइमली बेसिस पे गवर्नेंस को बताया गया जो व्यू था वो भी बताया गया रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले भी उसके बारे में बताया गया। आप बताइए ये कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन, फिर एक्स्ट्रा और भी लिख सकते अगर चाहो तो कि ऑडिट मैटर कभी कभी हम नहीं बताते की ऑडिट मैटर की ऑडिट मैटर ऑडिट मैटर को कभी कभी नहीं बताया जाता है। नहीं बताया जाता है कब नहीं नहीं कभी-कभी बताया जाता है, ठीक है अगर की ऑडिट मैटर कभी-कभी नहीं बताते, बाय लॉ अगर अगर लॉ प्रोहिबिट करता है या फिर वो लगता है कि इट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट तो उसको नहीं बताते कभी कभी ऐसा लगता है कि एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होगा पब्लिक इंटरेस्ट से तो नहीं बताते तो आप बताओगे कि भाई की ऑडिट मैटर को लेकर कम्युनिकेशन हमने किया है इंडिपेंडेंस हमने एक स्टेटमेंट दिया साफ साफ कि हम और हमारी टीम एथिकल और इंडिपेंडेंट है जितने भी क्लोज रिलेशन थे वो सब बताए पर्सनल बिजनेस फाइनेंशियल ठीक है लीगल सब क्लोज रिलेशन बताया और हमने ये भी बताया कि सेफ कैसे हमने थ्रेट्स को काउंटर करके रिस्क को काबू में रखा है इन एथिक्स और इंडिपेंडेंस के बारे में भी कम्युनिकेशन किया हमने यस yes, हमने प्लान का ऑडिट प्लान का ओवरव्यू दिया ओवरव्यू दिया उसका स्कोप बताया जो ऑडिट फाइंडिंग्स है वो बताया सिग्निफिकेंट डिफिशेंसीज बताया तो बिल्कुल सही है ये सभी बातें हमने कम्युनिकेट की है ताकि कल जाके मैनेजमेंट या टीचर हमको ये नहीं बोल सके है कि हमको पता नहीं था वी वी नॉट अवेयर ऐसा वो नहीं बोल सके ये डिस्कस करो और कंक्लूजन दो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में सारी बातें लिखी जाती है दैट्स इट तो इंटरेस्टिंग था हो सकता है सौ में से साठ बच्चे ये क्लिक कर पाए अच्छा ये कम्युनिकेशन के बारे में ऑइट रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है ठीक है आइए अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है नवंबर 19 आरटीपी स्टडी मटेरियल 21 और अब स्टडी मटेरियल 23 स्टडी मटेरियल 23 में यह आया हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है पहले छोटा सा क्वेश्चन था नीचे देखो पहले छोटा सा क्वेश्चन था सेम कंपनी का नाम है लेकिन केस स्टडी बना दी सेम कंपनी का नाम है लेकिन उसको केस स्टडी बना दी तो बिल्कुल हर जगह यही होने वाला दोस्तों पहले ही बता रहा हूं मैं वही कॉन्सेप्ट रहने वाले लेकिन उसका केस स्टडी बना देने वाले वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है लेकिन उसका केस स्टडी बना देंगे ठीक है अब इसके लिए आप कितने कॉन्सेप्टुअली स्ट्रांग है कितने आप कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में बैठ के आप कितने कितने शांत दिमाग से और कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर तुम खुद को बाप समझते हो किस को जोरदार समझते हो नॉलेजेबल समझते हो तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन तुम क्रैक कर लोगे और तुम अगर खुद को डाउट कर रहे हो तो क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा अगर तुम खुद को बहुत ही सुपेरियर बहुत जोरदार समझते हो तुम बोलते हो कि तुम डिजर्व करते हो सारा सक्सेस तुम्हारे हर अंदर है वो काबिलियत तो ये क्वेश्चंस आप क्रैक कर पाओगे तो एग्जाम में जिसका स्टेट ऑफ माइंड जितना जबरदस्त रहेगा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जिसका रहेगा वो अल्फा तरीके से क्रैक करेगा केसेस को ठीक है नाउ आइए अब यहां पे अगर हम लोग डिस्कस करें अब यहां पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहां पे उन्होंने तो तो ऐसा बताया कि एक कंपनी इंडिया में एक कंपनी एक इंडिया में और एक वो जॉइंट वेंचर कंपनी है उसका एक वेंचर यूएस में बैठा हुआ है एक वेंचर जापान में बैठा हुआ है कंपनी इंडिया कंपनी इंडिया की है इंडिया में चार्ट अकाउंट उसका ऑडिट कर रहा है और ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट आई है कि भाई आप जो ऑडिट कर रहे हो वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय इशूड बाय आई भी करो और एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी करो तो क्या एक ही रिपोर्ट के अंदर दोनों स्टैंडर्ड्स को रेफर कर सकते क्या एक ही रिपोर्ट के अंदर दोनों स्टैंडर्ड्स को हम रेफर कर सकते हैं क्या कैन वी रेफर तो बोथ तो दोगे और आप कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिमांड आए कि दो स्टैंडर्ड्स को रेफर करो आप बोलोगे बिल्कुल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दो स्टैंडर्ड्स ऑन और ऑडिटिंग का रेफरेंस दे सकते हैं आपको और रेफरेंस देना पड़ता है बेसिस ऑफ ओपिनियन में आपको बताना पड़ता है दैट वी हैव डन ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड इन ऑडिटिंग वहां पे तो हम दो स्टैंडर्ड को बिल्कुल रेफर कर सकते हैं वी कैन डेफिनेटली रेफर टू स्टैंडर्ड्स उसके लिए कंडीशन है दो कंडीशन है देर आर टू कंडीशन दो कंडीशन है और क्या है वो कंडीशन वो आपको बता दू सबसे पहली कंडीशन है दो कंडीशन है और सबसे पहली कंडीशन है कि देयर शुड नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ठीक है मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ओपिनियन सेम होना चाहिए नो डिफरेंट ओपिनियन कोई डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन ओपिनियन नहीं होना चाहिए नो no दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है मतलब कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं होनी चाहिए इसी का मतलब दोनों के ओपिनियन सेम होने चाहिए कि दोनों के हिसाब से क्लीन ओपिनियन दोनों के हिसाब से क्वालिफाइड दोनों के हिसाब से एडवर्स दोनों के डिस्क्लेमर जो भी होगा कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एंड के इंक्लूजन की चीजें भी सेम होनी चाहिए पहली कंडीशन है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि ओपिनियन को लेकर और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ई एमपी और ओएमपी को लेकर पॉजिटिव तरीके से लिखो नेगेटिव रिक्वेस्ट तरीके से लिखो एक ही फर्क पड़ता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना डिफरेंस नहीं होना चाहिए दूसरा जो हमारे मिनिमम एलिमेंट्स है जो हमारे मिनिमम एलिमेंट्स हैं जो हमारे मिनिमम एलिमेंट्स है ऑडिट रिपोर्ट के ठीक है टाइटल से लेके जो हमारे मिनिमम एलिमेंट्स है जो हमारे जो हमारे मिनिमम एलिमेंट्स है ठीक है ऑडिट रिपोर्ट के आपके से के आखरी टाइटल से लेके आखिरी साइनिंग तक टाइटल से टाइटल ले, से लेके ले आखिरी में साइनिंग तक ठीक है वो मिनिमम एलिमेंट्स वो आपके मिनिमम एलिमेंट्स आपके होने चाहिए यहाँ पे एज लॉ ऐसा लिखा हुआ है वो कट कर देना इंस्टीट्यूट की तरफ, 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 तरफ से गलती है वो मेरी तरफ मतलब हमने इंस्टीट्यूट से कॉपी पेस्ट मारा इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती है मिनिमम एलिमेंट्स होने चाहिए ठीक है जो एलिमेंट्स आते हैं वो होने चाहिए अगर ऐसा है तो आप दोनों का रेफरेंस दो कभी आप दो स्टैंड का रेफरेंस दे रहे हो और आपका एक कोई रीजनल स्टैंडर्ड है मतलब in... अगर आपने आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अलावा कोई आपने सपोज ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड यूज किया जापनीज स्टैंडर्ड आप किसी को रेफर कर रहे हो तो उसका ओरिजिन जरूर बताएं कि ये कौन से अथॉरिटी ने बनाया जरूर बताएं ताकि लोगों को पता रहे कि भाई कौन से स्टैंडर्ड आइए उसका ओरिजिन क्या है कोई दूसरे स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं तो. तो बहुत सिंपल सी बात है ऐसा करना अलाउड है दो कंडीशन फुलफिल करो और आखिरी में एक बात बोलिए जब भी कोई स्पेसिफिक रीजन के कहीं के तुम सैंड यूज करते हो तो उसका ओरिजिन जरूर बताए ताकि लोग को पता रहे ठीक है आइए दोस्तों नाउ सी आइए अब तो आई होप यू गॉट द पॉइंट ये आपको समझ में आया नाउ गाइस बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये अब आगे हम लोग चलते हैं नवंबर ट्वेंटी थ्री आरटीपी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के ऊपर है बहुत ही सिंपल सा सिंपल सी कहानी है कोई कहानी कोई बहुत बड़ी नहीं है इसकी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है आपके नवंबर ट्वेंटी थ्री के अंदर ये क्वेश्चन डाला गया ठीक है अब सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या होता है इसका एक छोटा सा चार्ट मैं आपको बता दू सात सौ डॉट चार सौ आइए दोस्तों ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का चार्ट है आपके पास में बनाया हुआ भी होगा ठीक है हमारी पुराने फाड़ू में भी ये चार्ट है बहुत सिंपल सा चार्ट है सबसे पहले सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मतलब क्या है और टाइटेनियम में भी उसकी प्रॉपर थेरी दी हुई है ठीक है इवेल्यूशन इंटीग्रल इंटीग्रल डिफ्रेंशिएटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है आइए सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मतलब क्या जब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है जब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जब ऑडिट रिपोर्ट जब ऑडिट रिपोर्ट के जब ऑडिट रिपोर्ट के, के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है Which is not as per जिसकी जरूरत ही नहीं थी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी वो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको हम सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉलेंटरीली डेटर्स की लिस्ट क्रेडिटर्स की लिस्ट एम्प्लॉय की लिस्ट दे दी है जिसकी जरूरत ही नहीं थी या फिर कभी कभी कोई दूसरा लॉ एज पर Volunt, कभी कभी दी जाती है कभी कभी एज पर लॉ एक्ट है कोई दूसरा लॉ है उसके हिसाब से कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है. जैसे FCR, Act, वो हो सकता है बोले कि उसको और बताओ क्या करना पड़ेगा ऑर्डर को ऑर्डर को उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा उसको स्टडी करना पड़ेगा इज इट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटीग्रल मतलब क्या इज इट यूजफुल एंड नेसेसरी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बात को बताना जरूरी है

अगर लगता है कि बहुत जरूरी यही पे होना चाहिए कहीं और नहीं होना चाहिए ऐसा बोलते हैं तो फिर आप इसको अकाउंट जैसा ट्रीट करो ओके okay, okay, भाई ये का part है टू अकाउंट जैसे ऑडिट करते उसको ऑडिट कर लो लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं 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 इंटीग्रल पार्ट फालतू बकवा मैनेजमेंट को बोलो डिफरेंशिएटेड उसको अलग करेंगे इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खत्म करो उस पर साइन वाइन की जगह छोड़ो अगले पेज पे अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऐसा हेडिंग दो और वहां पे लिखो ये बातों को कोई क्रॉस रेफरेंस ठीक है कोई और डिफरेंशिएट करना बोलते इसको इसको अलग से लिखो इसको अलग से लिखो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन और कोई क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं होनी चाहिए क्रॉस रेफरेंसिंग मतलब सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल ये अलग पोर्शन ऐसा दिखना चाहिए सबको दिखना चाहिए और लगना भी चाहिए मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए अगर कर दे तो बहुत बढ़िया अगर नहीं करेंगे तो हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में इस बात को स्पेसिफाई करेंगे नोट नंबर फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी ठीक है ये एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से जरूरी नहीं थे ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है इसको ध्यान में रखकर हमने ऑडिट की प्लानिंग नहीं की है इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को अनऑडिटेड बोल रहे हैं दिस इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड अनऑडिटेड इट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट इट इज अदर इंफॉर्मेशन फॉर एस ये अनऑडिटेड है और ये हमारे लिए अदर इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए ये हमारे लिए अदर इंफॉर्मेशन है

स्पिटलिटी बिजनेस ट्रैवल का बिजनेस है इस साल कितनी बुकिंग की पिछले साल कितनी बुकिंग थी एवरेज रेवेन्यू पर बुकिंग कितना है पिछले साल इस साल का बुकिंग का रेशियो ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक कितना उसका रेशियो भी दिया कोई इंडियस कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलता ये सब इंफॉर्मेशन देने का खुद अपने मन से इंफॉर्मेशन दे दिया ऐसे 700 का रेफरेंस दो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की पूरी गाथा लिखो और मैनेजमेंट को हाथ जोड़कर बोलेंगे इसको अलग करो अगर वो डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेल एंड गुड डिफरेंशिएट नहीं करेंगे लोग तो हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में बोलेंगे कि ये चीजें अनऑडिटेड है इसको ध्यान में के ऑडिट नहीं किया ये हमारे लिए अदर इंफॉर्मेशन है तो बराबर ठीक है यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और यहां पे कंक्लूजन दिया है कि अगर वो नहीं मानेंगे बात तो ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा अगर ये लोग बात नहीं मानेंगे यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस सात सौ का रेफरेंस दो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का मतलब बताओ इवेल्युएट करना पड़ता है इंटीग्रल है कि नहीं इंटीग्रल है तो क्या करना अन नहीं है तो क्या करना डिफ्रेंशिएशन करवाना पड़ता है डिफरेंशिएशन किया तो बहुत बढ़िया नहीं किया तो क्या अप्रोच है यहां पे अगर नहीं करेंगे तो हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे कि भैया ये चीजें अनऑडिटेड है अच्छा क्वेश्चन है नाउ आइए दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं अब अगर हम बात करते हैं ऐसे 701 की अगर हम लोग बात करें बड़ा इंटरेस्टिंग सा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये एक ही क्वेश्चन अभी करेंगे फिर आज का सेशन खत्म करेंगे क्योंकि दूसरे सेशन में भी मैं यहां तक ही गया था तो यहां पर भी अब यहीं तक ही जाता हूँ या फिर मेरे पास ऑप्शन है देखते ठीक है थोड़ा सा अगर खींचना है तो खींच सकता हूं मैं हल्का फुल्का ठीक है आइए दोस्तों नाउ थोड़ा सा खींच लेंगे देखते यहां पे बहुत बहुत ही प्यारी चीज है अब 701 के बारे में आपको बता दो 701 की ऑडिट मैटर है 701 में 701 में की ऑडिट मैटर है और 701 में एक बात बोली हुई है ठीक है कि सपोज की ऑडिट मैटर आपको लग गया की ऑडिट मैटर आप लोगों को लग गया दोस्तों ठीक है की ऑडिट की ऑडिट मैटर आप लोगों को लग गया की ऑडिट की ऑडिट मैटर गेट्स एप्लीकेबल ठीक है आपको पता होगा जो लिस्टेड कंपनीज है जो लिस्टेड कंपनीज है जो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उनको की ऑडिट मैटर लग जाता है की ऑडिट उनको लग जाता है, या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो लग जाता है या फिर ऑडिटर खुद भी तय कर सकता है एनी वेज वी आर कंसिडरिंग अचुएशन की ऑडिट मैटर इज एप्लीकेबल ठीक है की ऑडिट मैटर इज एप्लीकेबल अब की ऑडिट मैटर एप्लीकेबल है की ऑडिट मैटर एप्लीकेबल है लेकिन की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं एकदम सिंपल सा ऑडिट था ट्रेडिंग कंपनी थी देर कैन बी सिचुएशन देर इज नो की ऑडिट मैटर की ऑडिट मैटर है ही नहीं या फिर की ऑडिट मैटर था बट इट वॉज प्रोहिबिटेड बाय लॉ लॉ ने प्रोहिबिट किया था कि उसको डिस्क्लोज मत करो या फिर ऑडिटर को ऐसा लगा उसका एडवर्स इंपैक्ट ज्यादा है पब्लिक इंटरेस्ट से तो वो वह जो डिस्क्लोज नहीं करता है ठीक है तो ऐसे केस में की ऑडिट मैटर सेक्शन में क्या लिखना पड़ेगा ऐसे केस में की ऑडिट मैटर सेक्शन में क्या लिखना पड़ेगा की ऑडिट मैटर की हेडिंग डालनी पड़ेगी और वहां आप लिखना पड़ेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट नो की ऑडिट मैटर वॉज आइडेंटिफाइड या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट की ऑडिट मैटर्स वेर आइडेंटिफाइड बट दे वेर नॉट डिस्कलोज बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ या फिर लिखना पड़ेगा दे आर नॉट डिस्कलोज बिकॉज एडवर्स इंपैक्ट इज मोर द पब्लिक इंटरेस्ट तो कॉन्सेप्ट क्या समझा आपको एक बार की ऑडिट मैटर लग गया तो वो सेक्शन डालना ही पड़ेगा फिर वहां जाके हमको लिखना पड़ेगा कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है कोई की ऑडिट मैटर नहीं है या फिर ऐसा लिखना पड़ेगा या फिर ऐसा लिखना या फिर ऐसा लिखना पड़ेगा कि भाई क्यूर मैटर था लेकिन नहीं बता रहे लॉ के प्रोबिशन के से या फिर एडवर्स इंपैक्ट नहीं बता रहे आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया आई होप दिस कॉन्सेप्ट क्लियर आपके दिमाग में अब दूसरा और एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो सुन लो अच्छे से उसके बाद ये छोटी सी लाइन समझेगी सुनो सपोज गोइंग कंसर्न का मुद्दा है मटेरियल अनसर्टेटी का मुद्दा है गोइंग कंसर्न का मुद्दा है

मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर गोइंग कंसर्न एमयू जीसी जो सेक्शन है वहां पे भी जाने के लिए एलिजिबल हो गया है और की ऑडिट में आने के लिए भी एलिजिबल हो गया तो दोनों में से कहा समझाएंगे कॉमन सेंस है एमयू जी सी का एमयू जी सी का आप देखो औधा उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो उसको एमयूजीसी में ही समझाएंगे तो अगर गोइंग कंसर्न मटेरियल अनसर्टेनिटी में अगर हमको हमारे मन में डाउट आया कि एमयूजीसी सेक्शन में समझाएंगे कि की ऑडिट मैटर सेक्शन में समझाएंगे कौन जीतेगा एमयूजीसी एमयूजीसी में ही जाएगा ठीक है हम लोग की ऑडिट मैटर में एक लाइन लिखेंगे कि जो मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला मैटर है इट इज अ की ऑडिट मैटर एंड इट इज एक्सप्लेन इन एमयूजीसी सेक्शन बस एक लाइन रेफरेंस लाइन लिख देंगे दैट्स इट राइट वन रेफरेंस लाइन दैसे मॉडिफिकेशन है सपोज कोई मॉडिफिकेशन का मुद्दा है क्वालिफिकेशन का एडवर्स का कोई मुद्दा है तो उस पर हमने बहुत मेहनत की कहा जाएगा बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन में क्वालिफिकेशन का मुद्दा हमेशा उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन में ही जाएगा बेसिस ऑफ एडवर्स में ही जाएगा इट विल गो टू बेसिस ऑफ एडवर्स ओनली एंड बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ओनली एक लाइन जाएगी रेफरेंस की ऑडिट मैटर में कि मैटर एक्सप्लेन इन बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एडवर्स इज अ की ऑडिट मैटर रेफर दैट सेक्शन फॉर मोर इंफॉर्मेशन तो मैं देखो ऐसा बोलता हूं आपको याद रहता है कि, कभी कभी मैटर्स ऐसे होते हैं विच गेट एलिजिबल फॉर टू सेक्शन की ऑडिट मैटर से कौन कौन जीतता है एमयूजीसी जीतेगा और बेसिस वाला भी जीतेगा दोनों जीतेंगे की ऑडिट मैटर से इंफॉर्मेशन वहां जाएगी की ऑडिट मैटर में सिर्फ एक लाइन का रेफरेंस जाएगा कि ये मुद्दे की ऑडिट मैटर थे वहां पे इंफॉर्मेशन है पढ़ लो अब और एक सुनो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मुद्दा इज गेटिंग एलिजिबल फॉर ईएमपी ओएमपी आल्सो इन की ऑडिट मैटर आल्सो कोई ऐसा मुद्दा है जो दोनों के लिए एलिजिबल हो जा रहा है ईएमपी या ओएमपी के लिए और audit, कौन जीतेगा की ऑडिट मैटर उस चीज को हम हमेशा की ऑडिट मैटर में ही लिखेंगे ईएमपी ओएमपी में लिखेंगे लेट्स फ्रीज गाइस ध्यान रखना है की ऑडिट मैटर दो जगह हार जाता है बेसिस में और गोइंग कंसर्न में और दो जगह जीतता है ईएमपी में और ओएमपी में ठीक है अब देखो उसको ड्राफ्ट कैसे किया है एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स और मटेरियल ऑफ गोइंग कंसर्न वो डिटरमाइंड नो अदर की ऑडिट मैटर इन योर रिपोर्ट बस बेसिस पैराग्राफ में जो मुद्दे लिखे हैं और एमयूजीसी में जो मुद्दा लिखा है उसको छोड़ दे तो उसके अलावा कोई दूसरा की ऑडिट मैटर नहीं है आया हो, आपको समझ में आया मैंने बोला था एक, -एक लाइन का रेफरेंस देना पड़ता है कि बेसिस ऑफ बेसिस वाला मुद्दा की ऑडिट मैटर है गोइंग कंसर्न वाला मुद्दा ओर वो बोल रहे हैं कि ये की ऑडिट मैटर है इसके अलावा कंपनी में कोई दूसरा की ऑडिट मैटर नहीं ठीक है तो आई होप इससे आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई इस मुद्दे को लेकर सुबह के सेशन में यहीं पर रुका मैं चलो अभी भी यहीं पर रुकता हूं ओके गाइज बाय 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 आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स शेयर सब्सक्राइब करते रहिए लोगों को बताते रहिए प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर 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 डालते रहिए ठीक है